अच्छो यस सर, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रहा हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। इसके पहले के बाकी टॉपिक के आपने रिवीजन देख लिए होंगे। आज हम चालू करने जा रहे हैं पबजी का रिवीजन, पीजीपीपी का रिवीजन, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन का रिवीजन हम लोग चालू करने जा रहे हैं। ये नोट्स है, फास्ट ट्रैक नोट, जिसके अंदर से मैं रिवीजन करवा रहा हूं और मैंने क्वेश्चन एंड डिस्कशन अपडेट कर दिए हैं, तो प्लीज जाकर के एक बार देख लीजिएगा। पीजीपीपी का रिवीजन करते वक्त आपको याद रखना है इंपॉर्टेंट सेक्शन जो होंगे मैं आपको बता दूंगा, वो इंपॉर्टेंट सेक्शन को आपको फटाफट हाईलाइट करने हैं जो चीज आपसे पूछी जाती है। पीजीपीपी का सही मायने में अगर आपको रिवीजन करना है तो ये रिवीजन पूरा का पूरा देख लीजिए, और जितने ज्यादा जल्दी टोटल इनकम के क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर पाएंगे उतना ज्यादा बेहतर रहेगा। तो पीजीपीपी आपका सेक्शन 28 से लेकर के 44 तक के डील करता है। 28 से लेकर के कहां तक के डील करता है बोले जल्दी से, 44 तक के डील करता है। सबसे पहला सेक्शन इसके अंदर में आता है चार्जिंग सेक्शन, सेक्शन 28। पीजीपीपी में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस सेक्शन का कोई लेन देन नहीं है। ये सिर्फ एक लिस्ट देता है कि कौन कौन से आइटम पीजीपीपी के अंदर में क्या होंगे, टैक्सेबल होंगे। वैसे पूरी लिस्ट को याद मत रखिएगा, आपको इसके कुछ इंपॉर्टेंट लिस्ट के इंपॉर्टेंट पॉइंट को ही याद कर लिया तो काफी हो जाएगा। जैसे पहला, एनी प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, किसी भी तरीके के बिजनेस या प्रोफेशन से आने वाली कोई भी प्रकार की जो इनकम रहेगी ये कहां टैक्सेबल होगी, पीजीपीपी के अंदर में टैक्सेबल होगी। नेक्स्ट, एनी कैश कंपेंसेटरी सपोर्ट, अगर किसी भी तरीके का सब्सिडी मिला है, ड्यूटी ड्रॉबैक मिला है या कैश कंपेंसेटरी सपोर्ट मिला है गवर्नमेंट से, तो ये पीजीपीपी के अंदर में टैक्सेबल होता है। यही अगर सब्सिडी असेट के अगेंस्ट में मिल गया तो असेट की कॉस्ट से लेस्ट होता है, असेट की कॉस्ट से लेस्ट होता है। इसके बाद में आपका एनी गिफ्ट बेनिफिट परक्विजिट अराइजिंग आउट ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, अगर बिजनेस या प्रोफेशन से किसी भी प्रकार का गिफ्ट बेनिफिट अगर रिसीव हुआ है तो ये टैक्सेबल होगा। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, मान लीजिए अगर हमें टारगेट मिला 100 बैग्स सीमेंट सेल करने का, और अगर हम 100 बैग सीमेंट सेल कर लेते हैं तो कंपनी हमें थाईलैंड भेजेगी घूमने के लिए। सपोज हमने क्या कर दिया, ये 100 बैग सेल कर दिए। अब सेल करने के बाद हमें जो थाईलैंड ट्रिप ऑफर हुई, दैट इज अ बेनिफिट और परक्विजिट, यस That is a benefit or perquisite arising out of business or profession. Yes? चलिए इसके बाद, हाँ जी, यस सर, दूसरा भी आइटम हो गया, यस yes? इसके बाद हम पढ़ते हैं एनी इंटरेस्ट सैलरी बोनस कमीशन, एनी इंटरेस्ट सैलरी बोनस कमीशन किसको दिया गया है, पार्टनर को दिया गया है। तो याद रखे पार्टनर को रेम्यूनरेशन फ्रॉम फर्म जा रहा है, ये टैक्सेबल है। यस, शेयर ऑफ प्रॉफिट टैक्सेबल नहीं है, शेयर ऑफ प्रॉफिट एग्जम था सेक्शन 10(2)(a) के अंदर में। यस, नॉन कंपिटेंसी फीस अगर रिसीव हुई है तो ये पीजीबीपी के अंदर में टैक्सेबल होगी। फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एनी इन्वेंट्री कन्वर्टेड इनटू कैपिटल एसेट, जब स्टॉक इन ट्रेड कैपिटल एसेट में कन्वर्ट होगा, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ दैट एसेट शुड हैव बीन टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ पीजीबीपी। इसके बाद में सेल ऑफ एसेट हुज ओल्ड कॉस्ट इज अलाउड एज डिडक्शन, मान लीजिए कोई एसेट था सेक्शन 35(ad) में आपने डिडक्शन लिया था, ये वाला एसेट जब भी सेल होगा तो इसका इनकम कहां जाएगा बेटा, पीजीबीपी के अंदर में टैक्सेबल होगा। तो सेक्शन 28 के अंदर में इतनी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद आता है सेक्शन 37(1), सेक्शन 37(1) पे डायरेक्टली जंप कीजिएगा, मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा अलग है, ध्यान से सुनिए। जो सेक्शन सबसे ज्यादा यूज होने वाले हैं यहां से मैं उसकी लिस्ट लगा देता हूँ। सेक्शन 37 इज अ जनरल सेक्शन, यस, आधा पीजीबीपी जो है वो आपका इस सेक्शन के भरोसे पे सॉल्व होता है। ये सेक्शन जनरल डिडक्शन की बात करता है, ये सेक्शन कहता है अगर इस सेक्शन की कंडीशन सेटिस्फाई हो तो खर्चे का नाम कुछ भी हो यू कैन टेक 100% एज डिडक्शन। यस, सेक्शन की कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती है तो आपको 100% डिडक्शन मिलता है। पहला क्या है, पहला एक्सपेंसेस क्या है, पहला एक्सपेंडिचर शुड नॉट बी पर्सनल एक्सपेंडिचर, ये पर्सनल एक्सपेंडिचर नहीं होना चाहिए। तो अगर कोई पर्सनल एक्सपेंडिचर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर में डेबिटेड है, लेना और नेट प्रॉफिट में एड बैक कर देना, लेना और नेट प्रॉफिट में क्या कर देना बेटा, एड बैक कर देना, राइट। जैसे कि एग्जाम्पल, ड्रॉइंग्स अगर दिख रही है लेना एड बैक कर देना, इनकम टैक्स दिख रहा है लेना एड बैक कर देना, राइट। तो ये क्या हो गए, पर्सनल एक्सपेंडिचर हो गए, राइट। आपके प्रोप्राइटर के कुछ पर्सनल सैलरी है, प्रोप्राइटर को ही रेंट पे किया है, प्रोप्राइटर को इंटरेस्ट दे रहे हो ऑन कैपिटल, लेना एड बैक कर देना क्योंकि ये पर्सनल एक्सपेंसेस है, पीएनएल को अगर डेबिट हुआ होगा तो ये अलाउड नहीं है। दूसरा, इट शुड नॉट बी कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होना चाहिए क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर पे क्या अलाउड है बेटा, आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर आपको डेप्रिसिएशन अलाउड है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर का कॉस्ट अगर पीएनएल को डेबिटेड है, लेना एड बैक कर देना। तीसरा, इट शुड नॉट बी कवर्ड अंडर सेक्शन 32-36, ये 30 से 36 के अंदर में कवर नहीं होने चाहिए, नहीं तो डबल डिडक्शन हो जाएगा।
एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड होल्ली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर बिजनेस एंड प्रोफेशन. ये जो खर्चा होना चाहिए ये एक्सक्लूसिवली होल्ली बिजनेस और प्रोफेशन के लिए होना चाहिए. तो मान लीजिए म्युनिसिपल टैक्स ऑफ प्रॉपर्टी पीएनएल को डेबिटेड है, बताइए जल्दी से कमेंट करके क्या करेंगे. म्युनिसिपल टैक्स रिलेटेड टू प्रॉपर्टी पीएनएल को डेबिटेड है, बताइए क्या करेंगे इसका. एड बैक करेंगे. सर क्यों? उसका डिडक्शन एचपी में मिलता है, वो बिजनेस एक्सपेंडिचर नहीं है. याद आ रहा है? यही म्युनिसिपल टैक्स रिलेटेड टू बिजनेस ऑफ प्रॉपर्टी, यानी जिस प्रॉपर्टी में बिजनेस हो रहा है उससे रिलेटेड म्युनिसिपल टैक्स है. विल दैट बी अलाउड एज डिडक्शन? यस. आपको उसमें कुछ नहीं करना है क्योंकि बिजनेस से रिलेटेड जो प्रॉपर्टी है उसका म्युनिसिपल टैक्स इज अ बिजनेस एक्सपेंडिचर इंक्लूडिंग एक्सक्लूसिवली एंड होल्ली फॉर बिजनेस पर्पज. लेकिन जिससे आपको एचपी रेवेन्यू आ रहा है वो यहाँ पे क्या होना चाहिए? एडबैक हो जाना चाहिए. याद आ रहा है? सो पहला, इट शुड नॉट बी पर्सनल एक्सपेंडिचर, इट शुड नॉट बी कैपिटल एक्सपेंडिचर, नॉट कवर्ड अंडर 32-36. इट शुड बी रियल एक्सपेंडिचर इनकर्ड होल्ली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर बिजनेस. एंड इट शुड बी इन द नेचर नॉट एन ऑफेंस और प्रोहिबिटेड बाय लॉ. ये ऐसा खर्चा नहीं होना चाहिए जो किसी लॉ के द्वारा क्या है बेटा, प्रोहिबिटेड है. जैसे कि ब्राइब पेड, इंटरेस्ट फॉर यू नो नॉन कंप्लायंस ऑफ टैक्स लॉस, ये क्या होने चाहिए? एडबैक होने चाहिए. इंटरेस्ट और पेनल्टी क्या होने चाहिए? एडबैक होने चाहिए. व्हाई? बिकॉज दीज आर फॉर ब्रीच ऑफ लॉ. तो अगर ये पांच कंडीशन सेटिस्फाई कर लेते हैं, खर्चे का नाम कुछ भी हो, इट विल बी अलाउड एज डिडक्शन. अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो अभी तक के आपने बेल आइकन को नहीं दबाया, और हाँ आप लोगों ने अभी तक के लाइक नहीं किया. सेक्शन 37 इसके आगे की बात करता है. सेक्शन 37(2) ये कहता है पॉलिटिकल पार्टी को अगर आप डोनेशन दे रहे हैं तो ये बिजनेस एक्सपेंडिचर नहीं माना जाएगा एंड इट विल बी डिसअलाउड. तो भैया क्या बोलता है, कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा अगर आप क्या कर रहे हैं, एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं सॉवरेन फ्रॉचर ब्रैक फैम्पलेट ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी. इसका एडजस्टमेंट मैं आपको बताता हूँ. मान लीजिए डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी या एनी अदर डोनेशन कहाँ एडेड है, पी एंड एल के डेबिटेड में है. तो डोनेशन कोई बिजनेस का खर्चा तो है नहीं. यस, डोनेशन कोई बिजनेस का खर्चा तो है नहीं. आपने क्या करना चाहिए, डोनेशन को पीजीबीपी कंप्यूट करते वक्त एडबैक कर देना चाहिए. और डिडक्शन अंडर चैप्टर सिक्स ए में 80 GGB एंड 80 GGC के अंदर में डिडक्शन लेना चाहिए अगर डोनेशन नॉट टू पॉलिटिकल पार्टी है, या फिर 80G के अंदर में डिडक्शन लेना चाहिए अगर डोनेशन टू अदर्स है. याद कीजिएगा. दूसरा एक और चीज बोलते हैं, CSR एक्सपेंडिचर आर नॉट अलाउड. CSR एक्सपेंडिचर कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से किया जाता है. CSR एक्सपेंडिचर दैट इज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड जो खर्चा है, इट विल नॉट बी अलाउड एज डिडक्शन. यस, ये बिजनेस खर्चा नहीं है. नेक्स्ट, फ्रीबी टू मेडिकल प्रैक्टिशनर. मेडिकल प्रैक्टिशनर को जो मेडिकल कंपनी फ्रीबीज देती है. अब ये फ्रीबीज क्या होता है, आप जब भी अपने डॉक्टर के पास गए होंगे या वो वाले डॉक्टरों के पास गए होंगे, यस, तो आपने देखा होगा प्रिस्क्रिप्शन लिखा हुआ होता है, फ्री दवाइयों के सैंपल्स पड़े हुए होते हैं, उनको फ्री टूर्स करवाए जाते हैं, उनके बाहर ग्लो साइन बोर्ड्स लगवाए जाते हैं. ये खर्चे होते हैं जो कौन करता है, कंपनी करती है, लेकिन ये फ्रीबीज है डॉक्टर को. मेडिकल प्रैक्टिशनर लॉ के हिसाब से, डॉक्टर किसी भी तरीके के फ्रीबीज एक्सेप्ट नहीं कर सकते. अब जब यही खर्चा ही अनलॉफुल हो जाएगा तो कंपनी के लिए ये डिडक्शन मिलेगा क्या? आंसर इज नो. तो ये डिडक्शन में मिलने वाला नहीं है. यस मालिक, टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी रिलेटेड टू डायरेक्ट टैक्सेस आर नॉट अलाउड. डिविडेंड्स एंड डीडीटी पेड आर ऑल्सो नॉट अलाउड. डिविडेंड और डीडीटी पेड भी अगर आपको पीएनएल में डेबिट दिख रहा है, लेना, एडबैक कर देना. क्यों? क्योंकि डिविडेंड देना कंपनी के लिए मैंडेटरी नहीं है. तो ये बिजनेस एक्सपेंडिचर नहीं हुआ और इसीलिए लेना है, और आपको क्या कर देना है बेटा, एडबैक कर देना है. लेकिन याद रखना होगा जो प्रीमियम आप पे कर रहे हैं पार्टनर के लिए, ये अलाउड होगा डिडक्शन बोल करके. यस, बाय, इसे बिजनेस एक्सपेंडिचर माना जाता है. तो सेक्शन 37 आधे से ज्यादा खर्चे आपके डिडक्शन बोल करके अलाउ कर देगा. इसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर. नेक्स्ट सेक्शन इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट आपको पूछी जाती है. सेक्शन 40(a)(2) याद रखने का तरीका, हम दो हमारे दो दोनों भी रिलेटिव. याद रखने का तरीका, हम दो हमारे दो दोनों भी रिलेटिव. पेमेंट टू रिलेटिव, सेक्शन कहता है कोई भी पेमेंट किया गया रिलेटिव को विच इज अननेसेसरी, सॉरी एक्सेसिव और अनरीजनेबल, ये दो वर्ड ज्यादा इंपॉर्टेंट है. यस, अगर आप पेमेंट कर रहे हैं किसी भी रिलेटेड पर्सन को और ये एक्सेसिव है या अनरीजनेबल है, एक्सेसिव है या अनरीजनेबल है कौन डिसाइड करेगा? एओ. एक्सेसिव है या अनरीजनेबल है कौन डिसाइड करेगा? एओ. सो अगर एक्सेसिव या अनरीजनेबल लग रहा है एओ को, तो वो उतना डिसअलाउ कर देगा जितना एक्सेस है. अब इसका एडजस्टमेंट दिया कैसे जाता है, आपको पीएनएल के अंदर में कोई खर्चा दिया जाएगा और नीचे नोट्स के अंदर में लिखा जाएगा दैट द सैलरी ऑफ मिस्टर एक्स इंक्लूड सैलरी टू रिलेटिव विच इज एक्सेस बाय 2000. तो आपको क्या करना है, 2000 रुपीज लेना है पीएनएल में, एडबैक कर देना है. 2000 लेना है पीएनएल में, एडबैक कर देना है, क्योंकि एक एक्सेसिव एक्सपेंडिचर है. सो एनी पेमेंट मेड टू रिलेटिव, यस, एनी पेमेंट मेड टू रिलेटिव विच इज अनरीजनेबल पेमेंट. अनरीजनेबल किसने डिटरमाइन करना है,
एओ ने डिटरमाइन करना है विल नॉट बी अलाउड एज डिडक्शन. तो डिसअलाउ कितना होना है, पूरा पेमेंट या एक्सेस, एक्सेस डिसअलाउ होना है. कमेंट करके जल्दी से बताइएगा, एक्सेस डिसअलाउ होना है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेक्शन चलते हैं. नेक्स्ट सेक्शन भी आपको बहुत बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट की लिस्ट में ये वाला सेक्शन बहुत ऊपर है, 40A3, पेमेंट इन कैश. जरा याद करो बच्चों, मैंने तुमको यहाँ पे एक भजन सिखाया था, एनी पेमेंट मेड टू अ पर्सन इन अ डे फॉर अ सिंगल बिल. वापस से बोला, क्या बोला था बेटा मैंने, एनी पेमेंट मेड टू अ पर्सन इन अ डे फॉर अ सिंगल बिल. एक व्यक्ति को एक दिन में एक बिल के लिए अगर आपने पेमेंट किया है कितने से ऊपर मालिक, 10,000 रुपए से ऊपर इन कैश. और जीटीए के लिए लिमिट कमेंट करके बताइएगा, ऐसे नहीं बताऊंगा मैं. एनी पेमेंट मेड टू अ पर्सन इन अ डे फॉर अ सिंगल बिल कितने से ऊपर जा रहा है, 10,000. जीटीए के लिए सही जवाब 35,000 रुपीज से ऊपर जा रहा है. द होल वहां पे होल लिखा है, देख, द होल ऑफ सच एक्सपेंडिचर इज डिसअलाउड. द होल ऑफ सच एक्सपेंडिचर इज डिसअलाउड. अब इसको दिया कैसे जाएगा, देख मैं देखो बताता हूं, सारे एडजस्टमेंट में देखो अभी बता रहा हूं, थैंक मी लेटर. पीएनएल के अंदर में तेरे को एक खर्चा दिया हुआ होगा, लेट्स से प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 23,200, और नीचे लाके लिया कहा होगा नोट्स के अंदर में, द होल ऑफ प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंसेस इज मेड इन कैश. बस लेना ऐसा पकड़ने का और ले जा करके एड बैक कर देने का, सिंपल सा गेम है. सो एनी पेमेंट मेड टू अ पर्सन इन अ डे फॉर अ सिंगल बिल कितने से एक्सीड कर रहा है, 35,000 या फिर 10,000 इन केस ऑफ अदर पेमेंट, 35,000 इन केस ऑफ GTA. अदरवाइज देन बाय अकाउंट पे चेक ड्राफ्ट ECS अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड. अब आप ये पूछेंगे ये अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड क्या है, अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड लिखे हैं Rule 6 अब्बा के अंदर में. किसके अब्बा के अंदर में, नहीं, Rule 6 अब्बा के अंदर में कौन कौन से पेमेंट के मोड है अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड. डेबिट कार्ड चलेगा, जल्दी जल्दी बोलते जाओ, डेबिट कार्ड चलेगा, क्रेडिट कार्ड चलेगा, UPI पेमेंट चलेगा, भीम पे चलेगा, यस और नो, RTGS, IMPS, NEFT, ये सारे अदर मोड ऑफ पेमेंट है. अरे साहब सीधे शब्दों में कैश नहीं देना, बाकी सारे मोड जो ट्रेस किए जा सकते हैं इनमें दोगे, 50 करोड़ दे दो साहब, कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन अदरवाइज पेमेंट 10,000 से ऊपर का कैश में होना नहीं चाहिए. यस, डिसअलाउ कितना होगा सर, 100% डिसअलाउ होगा अगर आपने कैश में पेमेंट कर दिया तो. यस, अच्छा जी, फिर लोग क्या करने लग गए, आपको तो पता है लोग नालायक थे, तो नालायक लोग क्या करते थे, इस साल सिर्फ एक्सपेंडिचर बुक करते थे जबकि एक्चुअल पेमेंट अगले साल करते थे कैश में, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को समझ में आ गया ये लोग तो हमें बेवकूफ बना रहे हैं. गवर्नमेंट ने एक सेक्शन लाया, सेक्शन 3A, कहा बेटा इस साल सिर्फ लाइबिलिटी इनकर कर ली, अगले साल भी तुमने कैश में पेमेंट कर दिया अदरवाइज देन बाय अकाउंट पे चेक ड्राफ्ट ECS, तब भी वो क्या हो जाएगा, डिसअलाउ. सो वेयर द लाइबिलिटी इज इनकर्ड एंड डिडक्शन इज अलाउड ऑन अक्रूअल बेसिस, पेमेंट मेड इन सक्सीडिंग ईयर, आगे के साल में पेमेंट मेड इन सक्सीडिंग ईयर अदरवाइज देन बाय प्रिस्क्राइब मोड शैल बी ट्रीटेड एज इनकम ऑफ दैट ईयर. क्लियर है मालिक. अच्छा जी, क्या हम बिल्कुल पेमेंट कैश में नहीं कर सकते, अरे ना मुन्ना ना, कुछ पेमेंट तुम कैश में कर सकते हो और इसकी लिस्ट तुम्हें Rule 6D में मिलेगी. याद रखना, वैसे भी सारे एग्जम्पशन दीदी को ही दिए जाते हैं, घर में भाइयों को कोई एग्जम्पशन नहीं दिए जाते. यस, तो Rule 6D में एक्सेप्शंस कवर्ड है. Rule 6D में क्या कवर्ड है बेटा, एक्सेप्शंस कवर्ड है. कौन कौन से एक्सेप्शन है, मतलब ये निम्नलिखित पेमेंट आपने कैश में किया तो भी चलेगा. पहला, पेमेंट ऑफ टैक्सेस टू गवर्नमेंट, किसी भी तरह के पेमेंट आप अगर गवर्नमेंट को करना चाह रहे हैं बिल्कुल चलेगा. पेमेंट टू LIC, मैं जिस पर हाईलाइट कर रहा हूँ, ये पूछा जाता है एग्जाम में, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये करके जाना. पेमेंट थ्रू NEFT, भीम पे, RTGS, क्रेडिट कार्ड, UPI, पेमेंट मेड बाय वेयर बैंकिंग फैसिलिटी इज नॉट अवेलेबल, ऐसी जगह पे पेमेंट कर दिया जहाँ पे बैंकिंग फैसिलिटी नहीं है. खैर अब AO इस चीज को मानेगा नहीं क्योंकि ऑनलाइन पेमेंट तो था तुम्हारे पास हर जगह, गूगल पे मिल सकता है. यस, तो दिमाग तेरा छोटे, गूगल पे हर जगह चलता है, ये तो लोग भी कहते हैं. अब ध्यान से सुनना, पेमेंट मेड टू एम्प्लॉई फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट अप टू 50,000 रुपीज, रिटायरमेंट बेनिफिट 50,000 रुपए तक के आप कैश में पे कर सकते हो, कोई तकलीफ नहीं है. पेमेंट फॉर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, फॉरेस्ट, फिश प्रोडक्ट्स, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस अगर आप कैश में परचेज कर रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलेगा, बिल्कुल डिसअलाउंस नहीं होगा. फॉरेन करेंसी कैश में परचेज कर रहे हो, कोई डिसअलाउंस नहीं है, बिंदास परचेज कर सकते हो. एम्प्लॉय को अगर आप पोस्ट कर रहे हो किसी दूसरे प्लेस पे, एम्प्लॉय को आप क्या कर रहे हो बेटा, पोस्ट कर रहे हो किसी दूसरे प्लेस पे, तो इट विल नॉट बी अलाउड, इट विल बी अलाउड एज डिडक्शन. क्लियर है मालिक. अब तक के कितने सेक्शन पढ़े, सेक्शन 28 पढ़ा हम लोगों ने, 37 पढ़ा, 40A2, 40A3 हम लोगों ने, Rule 6DD. इसके बाद हम चलते हैं एक सेक्शन के ऊपर जो एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, 44AD, प्रिजम्पटिव इनकम.
यस 44 AD प्रिजम्प्टिव इनकम असेसी कौन होना चाहिए, असेसी होना चाहिए रेसिडेंट इंडिविजुअल HUF या फर्म, ये सेक्शन LLP पे एप्लीकेबल नहीं है, ये सेक्शन LLP पे एप्लीकेबल नहीं है। असेसी कौन होना चाहिए इंडिविजुअल HUF या फर्म, वो भी रेसिडेंट, LLP के ऊपर ही एप्लीकेबल नहीं है। टर्नओवर कितने से ऊपर नहीं जाना चाहिए, 2 करोड़ रुपए से ऊपर नहीं जाना चाहिए। टर्नओवर कितने से ऊपर नहीं जाना चाहिए, 2 करोड़ से ऊपर नहीं जाना चाहिए। सर कौन से बिजनेस में होना चाहिए, एनी बिजनेस एक्सेप्ट सी गैप, मतलब ये 4 बिजनेस के लिए ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है। पहला सी से क्या याद आना चाहिए, कमीशन या ब्रोकरेज। जी से क्या याद आना चाहिए, GTA। ए एजेंसी, पी प्रोफेशनल। ये 4 के लिए हमारे पास सेपरेट सेक्शन अवेलेबल है, तो ये 4 के लिए सेक्शन 44AD एप्लीकेबल नहीं है, राइट। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो असेसी कैन शो हिज प्रिजम्प्टिव इनकम, असेसी कैन शो हिज प्रिजम्प्टिव इनकम। प्रिजम्प्टिव इनकम मतलब क्या, प्रिजम्प्टिव इनकम का सबसे बेहतरीन फंडा ये है कि आपको सीधा टर्नओवर इनटू परसेंटेज करना पड़ता है, आपको सीधा टर्नओवर इनटू क्या करना पड़ता है, परसेंटेज करना पड़ता है। आपको क्या करने की जरूरत नहीं है, आपको बिल्कुल एड लेस वो लफड़ों में पढ़ना ही नहीं है। ये सेक्शन किन के लिए लाया था, छोटे बिजनेसमैन के लिए लाया था जिनको इतना कंप्लायंस के अंदर में नहीं पढ़ना है, तो वो क्या करेंगे, टर्नओवर का एक परसेंटेज सीधा सीधा PGBP शो कर देंगे। ये इतना एड लेस करने का काम नहीं है, समझ में आ रही है बात। चलिए तो प्रिजम्प्टिव इनकम कितना माना जाएगा, हायर ऑफ, कैसा बेटा हायर ऑफ एक्चुअल डिक्लेयर्ड सैलरी और प्रिस्क्राइब परसेंटेज। एक्चुअल डिक्लेयर्ड सैलरी जो भी पेमेंट आप कर रहे हैं, तो एक्चुअल डिक्लेयर्ड पेमेंट और प्रिस्क्राइब परसेंटेज कितना है, 8% और 6%। 2% आपको दिए हुए हैं सर, 2% आपको दिए हुए हैं, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपका पेमेंट जो रिसीव हो रहा है, ये अकाउंट पे चेक ड्राफ्ट ECS से रिसीव हो रहा है, जो पेमेंट आप रिसीव कर रहे हैं अकाउंट पे चेक ड्राफ्ट या ECS से रिसीव कर रहे हैं, तो काम खत्म, आपका जो होगा 6% रहेगा, नहीं तो आपका कितना रहेगा, 8% ऑफ टर्नओवर और ग्रॉस रिसीट, 8% ऑफ टर्नओवर और ग्रॉस रिसीट, याद आ रहा है बेटा आपको। अच्छा जी सर मेरे को एक बहुत जोर से क्वेश्चन आया, मैंने बोला पूछो, बोले सर मान लीजिए मेरा टर्नओवर है 1 करोड़ का, 50 लाख आया है चेक से, 50 लाख आया है कैश से, अब कैसे कंप्यूट करूं, अलग अलग कर, 50 लाख पे 8% से निकाल, 50 लाख पे 6% से निकाल, समझ में आ रही बात। यस जब आप प्रिजम्प्टिव इनकम फॉलो कर रहे हैं तो आपको कुछ चीजें याद रखनी है। पॉइंट नंबर 1, अगर SSC प्रिजम्प्टिव इनकम शो करता है तो इसको एडवांस टैक्स मैंडेटरी है, इसको क्या है, एडवांस टैक्स मैंडेटरी है। दूसरा, सेक्शन 30 से 38 के डिडक्शन डीम टू बी अलाउड रहेंगे, डीम टू बी अलाउड मतलब ये मान लिए जाएंगे कि आपको डिडक्शन मिल चुके है, इसीलिए इतना एडलेस नहीं करना है, हम मान लेंगे कि आपको डिडक्शन मिल चुके है। 30 से 38 बोला है, यानी अनएब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन भी मिल चुका है मान लेंगे, यस अनएब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन अलग से मिलने वाला नहीं है। पार्टनर्स रेमुनरेशन का डिडक्शन इसमें से नहीं ले सकते, भले ही वो सेक्शन 40B में कवर है, पर पार्टनर्स रेमुनरेशन का डिडक्शन इसमें से आप ले सकते नहीं। अगर इस सेक्शन में आपने अपनी इनकम शो करी तो कंटिन्यूअसली 5 साल तक के शो करना पड़ता है, कंटिन्यूअसली कितने साल तक के शो करना पड़ता है, 5 साल। 5 साल से पहले कभी भी आपने ये चेन ब्रेक किया, अगले 5 साल आप सेक्शन 44AD के हिसाब से अपनी इनकम दिखा पाओगे नहीं। तो आए हो तो कितने साल टिकना है, 5 साल टिकना है, 5 साल से पहले कभी भी आपने ये चेन ब्रेक करी, अगले 5 साल आप यहाँ पे दिखना नहीं। यस डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A अलाउड रहेगा, बिल्कुल अलाउड रहेगा सर, यहाँ हम सिर्फ PGBP निकाल रहे हैं, इसके बाद आपका डिडक्शन जरूर मिलेगा, सेक्शन 6A के हिसाब से आपको आपका डिडक्शन जरूर मिलेगा। क्या आप लॉसेस सेट ऑफ कर सकते हैं, बिल्कुल सर लॉसेस सेट ऑफ कर लीजिए, कोई तकलीफ नहीं है, आप इस इनकम में से अपनी लॉसेस जरूर सेट ऑफ कर सकते हो। एक इंपॉर्टेंट सवाल जिसके ऊपर हमेशा क्वेश्चन आता है, सर क्या आप लोअर प्रॉफिट शो करते हो, मतलब क्या आप 8% या 6% से भी कम का प्रॉफिट शो कर सकते हो, यस बिल्कुल कर सकते हो। दो काम करने पड़ेंगे, कुछ याद आया क्या, दो काम करने पड़ेंगे, अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ेगा और ऑडिट भी करवाना पड़ेगा, राइट अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ेगा और ऑडिट भी करवाना पड़ेगा, लेकिन ऑडिट भी तभी करवाना है जब इनकम एक्सीड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। यस जब इनकम एक्सीड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, यस और नो, राइट। अच्छा जी सर जल्दी से बताइए सेक्शन क्या था, एक बार फटाफट रिकॉल कर लो, सेक्शन इंपॉर्टेंट था। असेसी कौन होना चाहिए, इंडिविजुअल HUF फर्म, LLP के लिए सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है। टर्नओवर कितने से ऊपर होना चाहिए, टू नॉट एक्सीड 2 करोड़ रुपीज, यस। कौन सा बिजनेस चलेगा, कोई भी बिजनेस चलेगा एक्सेप्ट सी गैप,
प्रिजम्प्टिव इनकम कितना हायर ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट डिक्लेयर्ड जो पीएनएल के अंदर में था एंड 8% और 6% याद आ रहा है, अकॉर्डिंगली पेमेंट जैसे भी मिले होंगे। चलिए इसके बाद में, अच्छा मेरे को एक याद आ रहा है, अगर आप मॉड्यूल फॉलो कर रहे हैं या मेरा बुक भी फॉलो कर रहे हैं, हमने 44 एडी के ऊपर एक प्रवीण नाम का क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है, ये सेम क्वेश्चन मॉड्यूल का ही है। प्रवीण नाम का क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा, सेक्शन के बिल्कुल पीछे आपको इसको क्लास में भी सॉल्व करवाया हुआ है, तो वो प्रवीण नाम का क्वेश्चन अगर आप इस पर सॉल्व कर लेंगे तो ये सेक्शन पूरा बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद आता है नेक्स्ट सेक्शन 44AE, भाई जी इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा, सेक्शन किसके लिए है बेटा, गुड ट्रांसपोर्ट एजेंसी। सेक्शन किसके लिए है, गुड ट्रांसपोर्ट एजेंसी ANESSE। ये सेक्शन का बेनिफिट ANESSE ले सकता है, कैसा बेटा ANESSE, जिसके पास क्या है, गुड ट्रांसपोर्ट एजेंसी है, नॉट मोर देन 10 गुड्स व्हीकल, कितने से ज्यादा नहीं है, नॉट मोर देन 10 गुड्स व्हीकल एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, राइट। ये भी अपनी इनकम क्या कर सकता है, डिक्लेयर कर सकता है हायर ऑफ, बोलो ना बेटा हायर ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट डिक्लेयर और मैक्सिमम लिमिट। सर यहाँ मैक्सिमम लिमिट जो डिपेंड करती है ये गाड़ी के वेट के ऊपर डिपेंड करती है, क्या ये हैवी गुड्स व्हीकल है या ये अदर गुड्स व्हीकल है। अब आप ये पूछेंगे ये हैवी गुड्स व्हीकल किसे कहेंगे, मैं नहीं बता रहा, आपको कमेंट करके बताना होगा हैवी गुड्स व्हीकल किसे कहेंगे। यस, जिसका ग्रॉस लैडन वेट कितने से ऊपर जा रहा है, 12 टन। यस, सो ग्रॉस लैडन वेट 12 टन के ऊपर जा रहा है तो आप क्या करेंगे, इसे हैवी गुड्स कंसीडर करेंगे, नहीं तो इसे अदर गुड्स कंसीडर करेंगे। सर मान लीजिए प्रॉब्लम के अंदर में ये दिया है कि गुड्स है व्हीकल है लेकिन ये नहीं बताया कि हैवी है या नहीं है, पहले चेक करना वेट दिया है क्या किसी गाड़ी के लिए, अगर वेट नहीं दिया है तो आप इसे अदर गुड्स के अंदर में काउंट कर सकते हो, अदर गुड्स व्हीकल के अंदर में काउंट कर सकते हो। यस, अच्छा जी इसके बाद हम लोगों ने देखा हैवी गुड्स व्हीकल जो है इनके लिए प्रिजम्प्टिव इनकम कितना है, 1000 पर टन पर मंथ पर व्हीकल, 1000 पर टन पर मंथ पर व्हीकल। क्या पार्ट ऑफ द मंथ को भी होल मंथ कंसीडर करना है, यस। अदर गुड्स व्हीकल के लिए 7500 पर मंथ पर व्हीकल ड्यूरिंग द पीरियड फॉर विच असेट इज ओन्ड, 7500 पर मंथ पर व्हीकल ड्यूरिंग द पीरियड फॉर विच असेट इज ओन्ड। चलिए एक क्रिटिकल क्वेश्चन पूछता हूँ जो इंस्टीट्यूट आपसे पूछता है, मान लीजिए मैंने असेट ले लिया अप्रैल में, दैट इज गुड ट्रांसपोर्ट व्हीकल ले लिया अप्रैल में, पुट टू यूज किया मैंने इसे जून में, तो प्रिजम्प्टिव इनकम कहां से काउंट होगी, अप्रैल से या जून से। असेट मैंने ले लिया, सवाल वापस सुनिए, मैंने गुड ट्रांसपोर्ट व्हीकल ले लिया अप्रैल में, इसको पुट टू यूज करना चालू किया कहां से, जून से, तो बताइए प्रिजम्प्टिव इनकम जो लेंगे हम ये कहां से लेंगे। कहां से लेंगे, अप्रैल से लेंगे या जून से लेंगे, अप्रैल जून, बहुत बढ़िया। ड्यूरिंग द पीरियड फॉर विच असेट इज ओन्ड का झंडुओ मतलब ही यही था कि अप्रैल से लेना है, हम डेप्रिसिएशन नहीं निकाल रहे कि पुट टू यूज से लेंगे, हम प्रिजम्प्टिव इनकम निकाल रहे जहां से ओन किया वहां से, समझ में आया क्या, हम डेप्रिसिएशन नहीं निकाल रहे पुट टू यूज के लिए, समझ में आ रही बात, डेप्रिसिएशन निकलता है फ्रॉम द डेट पुट टू यूज, यहां पे जब से असेट आपने ओन किया है वहां से निकलेगा। इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में दो प्रॉब्लम है, ये सेम प्रॉब्लम हमने हमारे बुक में भी रखा हुआ है, कभी देखिएगा। एडवांस टैक्स मैंडेटरी नहीं है इस केस में, एडवांस टैक्स मैंडेटरी नहीं है, जब लगेगा तभी यू नो सेक्शन 207-208 की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही होगी तो ही आएगा। सेक्शन 30 से 38 के डिडक्शन मान लिए जाएंगे डीम टू बी अलाउड, तो अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन का भी बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। पार्टनर्स रेम्यूनरेशन क्लेम किया जा सकता है, यस। क्या चैप्टर 6 के डिडक्शन मिलेंगे, बिल्कुल मिल जाएंगे, कोई तकलीफ नहीं है। क्या सर लॉसेस सेट ऑफ कर सकते हो, बिल्कुल कर लो, कोई तकलीफ नहीं है, यस। अच्छा जी अगर ग्रॉस वेट अवेलेबल नहीं है तो क्या अनलैडन वेट कंसिडर किया जा सकता है, यस। अगर प्रॉब्लम में ग्रॉस वेट नहीं दिया हो तो अनलैडन वेट देख लीजिएगा, कोई तकलीफ नहीं है। क्या सर हम लोअर प्रॉफिट डिक्लेयर कर सकते हैं, अरे कर दो सर कोई तकलीफ नहीं है, बस एक ही काम करना होगा, अकाउंट्स मेंटेन करना होगा और ऑडिट करवाना होगा। याद रखे यहाँ ऑडिट मैंडेटरी है, चाहे आपकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट के ऊपर ना भी हो तो, यहाँ क्या है ऑडिट मैंडेटरी है, चाहे आपकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट के ऊपर ना भी हो तो भी आपको क्या है बेटा ऑडिट मैंडेटरी है, यस मालिक। चलिए तीसरे प्रिजम्प्टिव इनकम की ओर चलता हूँ, 44 ADA। हाँ जी
तो 44 ADA प्रिजम्प्टिव इनकम प्रोफेशनल्स के लिए, याद रखने का तरीका था प्रोफेशनल्स की अदा, राइट? सो प्रोफेशनल्स की अदा, हाँ जी, असेसी कौन होना चाहिए? रेसिडेंट असेसी, बीइंग इंडिविजुअल और फर्म, नॉट LLP. यस, पहले यहां पे लिखा था एनी असेसी, बाद में अमेंडमेंट आया था इंडिविजुअल्स और फर्म के लिए LLP इसके अंदर में आता नहीं. जिनकी ग्रॉस रिसीट कितने से एक्सीड नहीं होनी चाहिए? 50 लाख से एक्सीड नहीं होनी चाहिए. जिसकी ग्रॉस रिसीट कितने से एक्सीड नहीं होनी चाहिए? 50 लाख से एक्सीड नहीं होनी चाहिए. यस, अच्छा जी, तो कितना प्रिजम्प्टिव इनकम मिलेगा? हायर ऑफ एक्चुअल डिक्लेयर्ड प्रॉफिट और 50% ऑफ ग्रॉस रिसीट. एक्चुअल डिक्लेयर्ड प्रॉफिट और 50% ऑफ ग्रॉस रिसीट. यस सर, याद रखे, अगर कोई अपनी इनकम 44 ADA में शो कर रहा है तो उसके लिए एडवांस टैक्स मैंडेटरी है. लो, दूसरा पॉइंट तो कॉमन है, डिडक्शन अंडर 30-38 आर डीम्ड टू बी अलाउड. यस, तो सीधा आपका टर्नओवर इनटू परसेंटेज आपका क्या बन जाएगा? PGBP बन जाएगा. पार्टनर्स रेमुनरेशन इसमें से अलाउड नहीं है, याद रखिएगा, इसमें से भी पार्टनर्स रेमुनरेशन अलाउड नहीं है. क्या आप लोअर प्रॉफिट डिक्लेयर कर सकते हैं? बिल्कुल कर लो सर. बस इनकम अगर बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ऊपर है तो क्या करना पड़ेगा? आपको ऑडिट करवाना पड़ेगा, अदरवाइज अकाउंट्स तो मेंटेन करने ही करने. यस, डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A अलाउड है और सेट ऑफ भी क्या है बेटा? अलाउड है. याद आ रहा है मालिक? चलो जी, चलिए यहां तक के एक बार सेक्शन को फटाफट रिकॉल करते हैं मेरे साथ. सबसे पहले हमने पढ़ा था सेक्शन 28. सेक्शन 28 क्या था? चार्जिंग सेक्शन. यहां से हम गए थे सेक्शन 37(1), क्या बोलते हैं बेटा? स्टैंडर्ड डिडक्शन, दैट इज जनरल डिडक्शन. इसके बाद में हम लोग गए थे 40A2, हम दो हमारे दो, दोनों भी रिलेटिव, रिलेटिव को पेमेंट किया, एक्सेस पेमेंट डिसअलाउ. 40A3 कैश पेमेंट हम लोगों ने देखा था, 10,000 से ऊपर, 35,000 से ऊपर द एक्स पूरा का पूरा अमाउंट क्या हो जाएगा? डिसअलाउ हो जाएगा. इसके बाद हम लोगों ने देखा था 44AD प्रिजम्प्टिव इनकम, 44AE प्रिजम्प्टिव इनकम फॉर GTA, 44ADA किसके लिए बेटा? प्रोफेशनल्स की अदा. याद आ रहा है आपको? यस, चलो जी, राइट. इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 43B इंपॉर्टेंट है. अब ये 43B की एडजस्टमेंट कैसे दी जाती है? सबसे पहले सेक्शन 43B को याद रखा जाता है एक्चुअल पेमेंट के नाम से. किसके नाम से याद रखा जाता है? एक्चुअल पेमेंट के नाम से. एक्चुअल पेमेंट क्या करता है? ये सेक्शन बोलता है कि भैया देखिए, भले ही ईयर एंड के बाद पर रिटर्न भरने की ड्यू डेट से पहले आपने अगर कोई पेमेंट कर दिए, सर्टन पेमेंट कर दिए, तो ये अलाउ रहेंगे. ऐसे किसी सेक्शन की जरूरत क्यों होती है? अगर अकाउंटिंग अक्रूअल बेसिस पे होती है तो बहुत सारे खर्चे ऐसे होते हैं मार्च के अंदर में जो आप एक्चुअली मार्च में पे नहीं करते हो, जिसके आप सिर्फ मार्च में प्रोविजन बनाते हो. एक्चुअल पेमेंट अप्रैल या जून जुलाई में ही हो पाती है. तो ऐसे केस में एक्चुअली खर्चा तो ये पिछले साल के रिलेटेड था जिसका पेमेंट सिर्फ डिले हो रहा है, तो डिडक्शन भी आपको पिछले ही साल में मिल जाना चाहिए जिस साल में आपने खर्चा किया. लेकिन डिडक्शन मिलेगा तब जब आपने इस पेमेंट को एक्चुअली रिटर्न भरने से पहले कर दिया, इसीलिए सेक्शन को एक्चुअल पेमेंट भी कहा जाता है. सो अगर ये पेमेंट आपने रिटर्न भरने की ड्यू डेट से पहले कर दिया, अलाउ, अदरवाइज डिसअलाउ एंड बी अलाउड इन द ईयर ऑफ पेमेंट, तो फिर पिछले साल में नहीं, आने वाले साल में उसका डिडक्शन मिल जाएगा. आपका डिडक्शन नहीं छीन रहे, बस कौन से साल में डिडक्शन मिलने वाला है ये डिसाइड कर रहे. समझ में आ रही बात? अच्छा जी सर, तो सर फॉलोइंग एक्सपेंसेस आर अलाउड ओनली इफ द पेमेंट इज मेड बिफोर फाइलिंग ROI. पहला, एनी टैक्सेस ड्यूटीज एंड सेस. किसी भी प्रकार का टैक्स ड्यूटी या सेस, मोर एंड मोर GST एंड अदर पेमेंट्स. यस, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू SPF, RPF या अप्रूव्ड ग्रेचुटी फंड. एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू अप्रूव्ड ग्रेचुटी फंड, SPF, RPF, सुपर एनुएशन फंड, ड्यू डेट से पहले पे कर दिया अलाउ, रिटर्न मनी की ड्यू डेट से पहले पे कर दिया अलाउ, नहीं तो अलाउड इन द ईयर ऑफ पेमेंट. बोनस कमीशन टू एम्प्लॉय, इंटरेस्ट ऑन एनी बोरोड कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन एनी बोरोड कैपिटल, लीव एनकैशमेंट. यस, पहले तीन सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो पहले तीन के ऊपर ज्यादा फोकस करके जाना. फिर लीव एनकैशमेंट रिसीव टू एम्प्लॉय, एनी सम पेड टू इंडियन रेलवेज फॉर यूज ऑफ इट्स असेट. एनी सम पेड टू इंडियन रेलवेज यूज ऑफ इट्स असेट के लिए, तो अगर आपने कोई पेमेंट किया होगा दैट विल बी अलाउड एज डिडक्शन ओनली इफ इट इज पेड बिफोर द ड्यू डेट. इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल इन केस ऑफ डिपॉजिट टेकिंग NBFC, सिस्टमैटिकली नॉन डिपॉजिट टेकिंग NBFC. अब तक के क्या था? इंटरेस्ट सिर्फ पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन या शेड्यूल बैंक के ही इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल अलाउड थे. यस, लेकिन ऐसे केस में NBFCs के साथ भी लोगों ने डिफॉल्ट करना चालू किया. NBFCs की पेमेंट भी सही समय पे आ जाए इसलिए उन्होंने इंटरेस्ट फॉर NBFC भी ऐड कर दिया.
मतलब अब अगर आप इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल जो एनबीएफसी को पे करना है रिटर्न भरने के पहले पे कर देते हो, अलाउड एज डिडक्शन, अदरवाइज नॉट अलाउड एज डिडक्शन। अब इसको एग्जाम में पूछा कैसे जाता है, ये रिलेवेंट है। क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल दे देंगे पीजीबीपी के अंदर में। अब वो कोई भी हो, एनबीएफसी से हो, बैंक से हो, वर्ड कुछ भी हो, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल दे देंगे। नीचे नोट्स के अंदर में वो लोग लिख देते हैं दैट इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल इज पेड इन दिसंबर 2022। अब आपके लिए रिटर्न भरने का डेट क्या था, या तो 31 जुलाई 2022 या तो फिर अक्टूबर 2022। आपके लिए डेट यही था रिटर्न भरने का, आपने ड्यू डेट के बाद भरा, ये क्या हो जाना चाहिए, डिसअलाउ। तो आप लोगे पूरा का पूरा इंटरेस्ट एड बैक कर दोगे। समझ में आया इसका एडजस्टमेंट कैसे पूछा जाएगा? आपको बोला जाएगा बोनस जो पे किया गया है ये पे किया गया है नवंबर के अंदर में। अब तो ये तो दोनों डेट के बियॉन्ड हो गया, अगर नवंबर में दे रहे हो मतलब ड्यू डेट के, रिटर्न के ड्यू डेट के बियॉन्ड हो गया, बोनस का अमाउंट लेना है, पीजीबीपी में एड बैक करना है। दिस इज हाउ यू अप्लाई दिस पर्टिकुलर सेक्शन। यस, चलिए जी नेक्स्ट सेक्शन में आते हैं। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 30 और सेक्शन 31, दोनों भी बिजनेस एक्सपेंडिचर के बारे में बात करते हैं, दोनों भी बिजनेस एक्सपेंडिचर के बारे में बात करते हैं। सेक्शन बड़ा सिंपल है, जरा ध्यान से सुनिएगा। सेक्शन कहता है एक्सपेंडिचर ऑन बिल्डिंग, सेक्शन 30 कहता है एक्सपेंडिचर ऑन एनी बिल्डिंग, सेक्शन 31 कहता है एक्सपेंडिचर ऑन एनी प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर। यस, बिजनेस पर्पस के लिए जो बिल्डिंग यूज हो रही है, यहाँ पे बिल्डिंग का मतलब किसी भी तरीके का प्रीमाइसेस, गोडाउन, शॉप, रेंट, क्लास, कोई भी चीज जो बिजनेस पर्पस के लिए यूज हो रही है, इसका आप रेंट पे कर रहे हो, आप इसके ऊपर रिपेयर्स, करंट रिपेयर्स के एक्सपेंसेस इनकर कर रहे हो, आप इससे रिलेटेड म्यूनिसिपल टैक्स पे कर रहे हो, या इससे रिलेटेड कोई इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहे हो, ऑल विल बी अलाउड एज डिडक्शन अगर आप पीएनएल को डेबिट कर देते हो। याद रखिएगा ओनली करंट रिपेयर्स अलाउड है, कैपिटल रिपेयर्स अलाउड नहीं है, क्योंकि कैपिटल रिपेयर्स पे क्या होना चाहिए बेटा, डेप्रिसिएशन होना चाहिए, राइट। सो अगर कोई भी व्यक्ति रेंट पे कर रहा है किसी बिजनेस प्रमाइसेस का, इंश्योरेंस दे रहा है, या फिर म्यूनिसिपल टैक्स दे रहा है, या फिर करंट रिपेयर्स करवा रहा है, इट विल बी अलाउड एज डिडक्शन। यस, यही प्लांट एंड मशीनरी के केस में, आप कोई रेंट पे कर रहे हैं प्लांट एंड मशीनरी का, फॉर एग्जाम्पल आपने गुड्स डिलीवर करवाना है दिवाली पे अपने क्लाइंट्स के यहाँ, आपने एक ऑटो ले लिया, प्लांट एंड मशीनरी आपने रेंट पे ले ली, समझ में आ रही बात। सो प्लांट एंड मशीनरी आपने किराए पे ले ली, या उसके भी आप इंश्योरेंस दिया, या करंट रिपेयर्स करवाया, इट विल बी अलाउड एज डिडक्शन। चेक कर लीजिए मालिक, आहो राइट। याद रखिए सेक्शन के अंदर में फर्नीचर भी कवर है, तो बिजनेस पर्पस के लिए अगर आप ये खर्चे को करते हैं, इट विल बी अलाउड एज डिडक्शन। आइए नेक्स्ट सेक्शन के अंदर में चलते हैं, सेक्शन 36, अच्छा खासा बड़ा वाला सेक्शन है, सेक्शन 36 अच्छा खासा बड़ा वाला सेक्शन है। सेक्शन क्या कहता है, जनरली आप लोगों ने पर्सनल नोट बनाए होंगे तो ये वाला सेक्शन तो बनाया भी नहीं होगा आप लोगों ने, आलस ही इतना होता है। सेक्शन 36 एक लंबा सेक्शन है। सेक्शन क्या कहता है मैं आपको बताता हूँ, सेक्शन एक लिस्ट देता है ऐसे आइटम्स की, सेक्शन एक लिस्ट देता है ऐसे आइटम्स की जो बिजनेस इनकम कंप्यूट करते वक्त अलाउड है डिडक्शन है। यस, सबसे पहले इसमें के कुछ आइटम है जो बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, उन पे फोकस कीजिएगा। जैसे कि पहला आइटम है जो बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, ये बात करता है इंश्योरेंस प्रीमियम। ये बात करता है किसके बारे में बेटा, इंश्योरेंस प्रीमियम के बारे में। तो ध्यान से सुनिए, इंश्योरेंस प्रीमियम अगर आप स्टॉक के अगेंस्ट में दे रहे हैं, मतलब स्टॉक को इंश्योर करवाया, स्टॉक को इंश्योर करवा करके आपने उसके ऊपर इंश्योरेंस पेमेंट पे किया, आपको नहीं लगता है बिजनेस एक्सपेंडिचर अलाउ होना चाहिए? आपको नहीं लगता है बिजनेस एक्सपेंडिचर अलाउ होना चाहिए? होना चाहिए। दूसरा, प्रीमियम पेड बाय फेडरल मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी टू कीप इन फोर्स एन इंश्योरेंस ऑन द लाइफ ऑफ कैटल। कैटल के लाइफ पे अगर फेडरल मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी, कैटल के लाइफ पे अगर फेडरल मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या करती है बेटा, इंश्योरेंस लेती है, वो उनके लिए स्टॉक हो गया, अलाउड एज डिडक्शन। तीसरा, प्रीमियम पेड बाय चेक, ये है सबसे इंपॉर्टेंट लाइन जहां पे इंस्टीट्यूट आपको घुमाता है। यस, पेड बाय चेक, कैश में पे करने का नहीं। अगर प्रीमियम पे कर रहा है, कौन पे कर रहा है, एम्प्लॉयर पे कर रहा है, किसके लिए, ऑन द हेल्थ ऑफ एम्प्लॉई। अगर एम्प्लॉयर इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहा है ऑन द हेल्थ ऑफ एम्प्लॉई, इट विल नॉट बी अलाउड एज डिडक्शन। अलाउड एज डिडक्शन, याद है, अलाउ तब नहीं होगा जब पेमेंट कैसे हो गया, कैश से हो गया। तो याद रखिएगा एम्प्लॉय का जो हेल्थ इंश्योरेंस का पेमेंट है, ये कैसे होना चाहिए, चेक से होना चाहिए, ये पूछा जाता है। नेक्स्ट इज एनी सम पेड एज बोनस और कमीशन। बोनस और कमीशन जो आप पे कर रहे हो, इट विल बी अलाउड एज डिडक्शन। याद रखिए बोनस एंड कमीशन विल बी अलाउड एज डिडक्शन। अब एक सवाल थोड़ा सा घुमा के है, जरूर पूछता हूँ, बताइए जो बोनस आपने पे किया, आपको याद है बोनस जो आप पे करते हो, ये बोनस एक्ट के तहत पे करते हो, मिनिमम बोनस, मैक्सिमम बोनस? यस,
आप जो बोनस है बोनस एक्ट के तहत पे करते हो। मान लो बोनस एक्ट के अंदर में सपोज कर लेते हैं लिखा था बोनस मैक्सिमम 20%, आपने दिया बोनस 30%, अब बताइए डिसअलाउ कितना? 10% डिसअलाउ? बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पे बोनस एंड कमीशन इज अलाउड एज डिडक्शन, भले ही बोनस इन एक्सेस ऑफ बोनस एक्ट क्यों ना हो। यस, एक्चुअल बोनस एंड कमीशन इज अलाउड एज डिडक्शन। नेक्स्ट पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल पूछा जाता है। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल इज अलाउड एज डिडक्शन। पैसा अगर बिजनेस के लिए लिया है और ये पैसा बिजनेस के लिए यूज कर रहे हो, आपने लोन बिजनेस के लिए लिया है और ये पैसा अगर आप बिजनेस के लिए यूज कर रहे हैं तो इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल विल बी अलाउड एज डिडक्शन। याद कीजिएगा, इंटरेस्ट अप टू द डेट असेट इज पुट टू यूज, इंटरेस्ट अप टू द डेट असेट इज पुट टू यूज क्या होना चाहिए? डिसअलाउ। यस सर, क्यों? क्योंकि वो असेट की कॉस्ट में ऐड होता है, क्योंकि वो असेट की कॉस्ट में ऐड होता है। सो इंटरेस्ट पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ कैपिटल बोरोड फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन विल बी अलाउड, देयर शुड बी अ नेक्सस। नेक्सस मतलब कनेक्शन होना चाहिए, आपने पैसा लिया ये बिजनेस के लिए यूज होना चाहिए। यस, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल ऑन एक्विजिशन ऑफ असेट टिल द डेट सच असेट वॉज पुट टू यूज शैल नॉट बी अलाउड एज डिडक्शन। एक बार पुट टू यूज हो गया उसके बाद का सब इंटरेस्ट आप PNL को डाल दीजिए, इट विल बी अलाउड एज डिडक्शन। यस, इंटरेस्ट ऑन मनी बोरोड टू पे इनकम टैक्स इज नॉट अलाउड एज डिडक्शन। बिल्कुल, जब इनकम टैक्स अलाउ नहीं है तो उसको पे करने के लिए जो आपने लोन लिया उसका डिडक्शन आपको नहीं मिल सकता। यस, अगर आप इंटरेस्ट रिलेटिव को ही पे कर रहे हैं तो 40A2 के सेक्शन अट्रैक्ट होंगे, 40A2 पेमेंट टू रिलेटिव वाले सेक्शन क्या हो जाएंगे? अट्रैक्ट हो जाएंगे। अगर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं आउटसाइड इंडिया जिसपे आपने TDS डिडक्ट नहीं किया तो आपको डिडक्शन मिलने वाला नहीं है। नेक्स्ट, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू RPF सुपर एनुएशन फंड। RPF या सुपर एनुएशन फंड में एम्प्लॉयर भी कॉन्ट्रीब्यूट करता है, एम्प्लॉई भी कॉन्ट्रीब्यूट करता है, एम्प्लॉयर के लिए तो खर्चा है, अलाउड एज डिडक्शन। एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम अप टू 10% ऑफ सैलरी। जब आप 80CCD का डिडक्शन पढ़ते हैं वहां पे भी 10% ही लिखा होता है मैक्सिमम डिडक्शन, याद आ रहा है क्या? तो एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू पेंशन फंड मैक्सिमम कितना अलाउड होगा? 10% ऑफ सैलरी अलाउ होगा। 10% ऑफ सैलरी के ऊपर जितना भी है वो डिसअलाउ होगा। अब ये आइटम को दिया कैसे जाता है? PNL के डेबिट में एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू पेंशन फंड लिख देते और नीचे आकर के नोट देते द पेंशन इज एट 14% ऑफ सैलरी। आपको क्या करना है? अगर ये पेंशन 14% है सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 14% पे इतना तो 10% पे कितना, और तब जाकर के आपको क्या किया जाता है? एक्सेस पोर्शन मिलता है, वो एक्सेस पोर्शन को आपको क्या करना है? डिसअलाउ। हमने 3 प्रॉब्लम ऐसे क्लास के अंदर में किए हुए हैं, कभी ध्यान देना आपने। यस, इस पे ऐसी एंट्री आती है। इसके बाद में अलाउंस फॉर परमानेंटली यूजलेस एंड डेड एनिमल्स। यस, मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब आप मवेशी खरीदते हैं दैट इज एनिमल खरीदते हैं, राइट, ये एनिमल्स जब भी क्या हो जाएंगे बेटा? परमानेंटली यूजलेस हो जाएंगे या डेथ हो जाएंगे। इनके कैरेक्टर्स को आपने अगर सेल किया, इनकी बॉडी को आपने सेल किया, तो वॉट एवर देयर कॉस्ट माइनस अमाउंट रिकवर्ड आउट ऑफ देयर कैरेक्टर्स, ये आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। वापस से सुनिए, कॉस्ट ऑफ एनिमल, मान लीजिए हमने एक बकरी ली थी, वो बकरी मर गई और उसका बॉडी हम लोगों ने सेल कर दिया कसाई को, लेट से बकरी ली थी 10,000 में, आपने क्या कर दिया? ये सेल कर दिया 500 रुपीज में। सो 10,000 माइनस 500, 9,500 आप PNL को डेबिट कर दीजिए, अलाउड एज डिडक्शन। यस, ये टेक्निकली एक लॉस है जो बिजनेस में होगा, तो ये अलाउड एज डिडक्शन है। एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू अप्रूव ग्रेचुटी फंड, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को अप्रूव ग्रेचुटी फंड के अंदर में कॉन्ट्रीब्यूट किया, अलाउड एज डिडक्शन। अमेंडमेंट, एम्प्लॉईज कॉन्ट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड सुपर एनुएशन फंड। एक मिनट, एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन का डिडक्शन हमको क्यों मिल रहा है? यहाँ एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन लिखा है पर एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन का डिडक्शन हमको क्यों मिल रहा है? एम्प्लॉय के लिए तो कॉन्ट्रीब्यूशन इनकम है और हम तो यहाँ पे खर्चों के अलाउ की बात कर रहे हैं। कभी आपने इस बात पे गौर किया? नहीं किया तो लाइक कहाँ है? अभी तक ये लाइक नहीं दिख रहा मेरे को वीडियो पे। हाँ दिखाओ भैया, ऐसा थोड़ी ना होगा। पर सोच के देखिए, एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन हम एक्सपेंसेस मान रहे हैं, पर एक्सपेंसेस क्यों होगा? उसके लिए तो इन्वेस्टमेंट का डिडक्शन मिल जाता है, तो हम PGBP में क्यों डिस्कस कर रहे हैं? नहीं याद आ रहा? बाजू वाले को बोले आपको मारे, उसको भी याद नहीं आ रहा, दोनों एक दूसरे को मारे। सर मैं आपको याद दिलाता हूँ, एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन जब भी एम्प्लॉयर कलेक्ट करता है ये इनकम माना जाता है। अगर वो ड्यू डेट से पहले पे कर दे, अलाउड एज डिडक्शन, एंड दैट्स व्हाई एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन का डिडक्शन चल रहा है।
यस अच्छा जी, अब इसमें एक तकलीफ थी, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन कब तक के डिपॉजिट करना, इस बात को लेकर के बहुत बड़ा इशू था कि एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन कब तक डिडक्ट होना चाहिए। क्या इस पे भी सेक्शन 43B एप्लीकेबल होना चाहिए? 43B एक्चुअल पेमेंट, कि रिटर्न भरने से पहले पे किया तो ही अलाउ होगा, या फिर रेलेवेंट एक्ट का ड्यू डेट देखना पड़ेगा। इस बात को इस बार अमेंड करते हुए कहा गया हमें 43B इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, रेलेवेंट एक्ट का ड्यू डेट के अंदर में पे किया तो अलाउ, नहीं तो डिसअलाउ। एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन 43B की लिमिट में जाएगा, एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन 43B की लिमिट नेवर हैव बीन एप्लीकेबल, नेवर डीम टू हैव बीन एप्लीकेबल। समझ में ही बात? सो इफ पेड बिफोर द ड्यू डेट अंडर द रेलेवेंट एक्ट नॉट 43B, यही अमेंडमेंट आया है। अब इसका एडजस्टमेंट पूछेंगे कैसे, अब इसका एडजस्टमेंट पूछेंगे कैसे, मैं बताता हूँ। एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन विल बी अलाउड एज डिडक्शन, ठीक है, और नीचे लिखा होगा एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन की ड्यू डेट एज पर द रिलेवेंट एक्ट वॉज 15th of June 2022, और आपको बताया जाएगा आपने पे किया है 15th of July 2022। अब अगर आप देखोगे आप 43B लगाने की कोशिश करोगे आप डिडक्शन दे दोगे क्योंकि ये रिटर्न भरने की ड्यू डेट से पहले है, बराबर है, पर डिडक्शन नहीं मिलना चाहिए, आपको लेना है एडबैक करना है, रिलेवेंट एक्ट की ड्यू डेट के बाद है तो आपको लेना है एडबैक करना है। दिस इज हाउ एडजस्टमेंट विल बी आस्क्ड, थैंक मी लेटर। इसके बाद हम जाते हैं किस पे बेटा, बेड डेब्ट्स के ऊपर, हम जाते हैं किसके ऊपर बेटा, बेड डेब्ट्स के ऊपर। तो बेड डेब्ट्स इज अलाउड एज डिडक्शन, ये कई बार पूछा जाता है, याद रखना है आपको बेड डेब्ट्स इज अलाउड एज डिडक्शन, प्रोविजंस ऑफ बेड डेब्ट्स इज नॉट अलाउड एज डिडक्शन, प्रोविजन फॉर बेड डेब्ट्स इज नॉट अलाउड एज डिडक्शन, ओनली एक्चुअल बेड डेब्ट्स इज अलाउड एज डिडक्शन। बेड डेब्ट्स का डिडक्शन तभी मिलेगा जब ये सेल्स से रिलेटेड होगी, अर्लियर आपने इसको सेल्स में रिकॉर्ड किया होगा तभी आपको बेड डेब्ट्स का डिडक्शन मिलेगा। प्रोविजन फॉर बेड डेब्ट्स का डिडक्शन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को मिल सकता है, प्रोविजन फॉर बेड डेब्ट्स का डिडक्शन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को मिल सकता है। अगर ये इंडियन बैंक होगी, अगर ये इंडियन बैंक होगी तो 8.5% ऑफ GTI प्लस 10% ऑफ एग्रीगेट एवरेज रूरल एडवांसेस, यस। अगर ये अदर देन इंडियन बैंक होगी तो 5% ऑफ GTI बिफोर दिस डिडक्शन, 5% ऑफ GTI बिफोर दिस डिडक्शन, यस ऑर नो। इट मस्ट हैव रिटर्न ऑफ, याद रखे बेड डेब्ट्स का डिडक्शन तभी मिलेगा जब आप क्या करते हैं बेटा, राइट ऑफ करते हैं, रिटर्न ऑफ करते हैं, राइट। अगर आपने बेड डेब्ट्स राइट ऑफ नहीं किया डिडक्शन मिलता नहीं। बिजनेस मस्ट बी कैरिड आउट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, याद रखिए बिजनेस कैरिड आउट होना जरूरी है। बैड डेब्ट्स ऑफ अ डिसकंटिन्यूड बिजनेस इज नॉट अलाउड एज डिडक्शन, बैड डेब्ट्स ऑफ अ डिसकंटिन्यूड बिजनेस इज नॉट अलाउड एज डिडक्शन, यस। बैड डेब्ट्स जब भी रिकवर होगा इट इज डीम्ड PGBP एज पर सेक्शन 41(1), 41(4) के हिसाब से डीम्ड PGBP क्या होता है बेटा, मानी जाती है, यस। मान लीजिए अब इसके ऊपर एक बहुत फेमस केस है, मैं आपके साथ वो भी डिस्कस कर लेता हूँ फटाफट। मान लीजिए बैड डेब्ट्स है, राइट, ये सक्सेस, ये क्या लिया था, प्रेडेसेसर ने लिया था, प्रेडेसेसर गुजर गया, सक्सेसर आया बिजनेस में, क्या सक्सेसर बेड डेब्ट्स क्लेम कर सकता है? याद रखिए बेड डेब्ट्स क्लेम करने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन इज व्हाट, बिजनेस कंटिन्यूएंस। भले ही सक्सेसर आ गया, बिजनेस कंटिन्यूएंस है, इट विल बी अलाउड एज डिडक्शन। सो बेड डेब्ट्स ऑल्सो अलाउड इन द हैंड्स ऑफ सक्सेसर ऑफ बिजनेस, बेड डेब्ट्स इज ऑल्सो अलाउड एज डिडक्शन इन द हैंड्स ऑफ सक्सेसर ऑफ बिजनेस, क्लियर है मालिक। चलिए इसके बाद आते हैं कंपनीज, फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर, यस। मान लीजिए अगर कोई कंपनी इनकर करती है, ये एक्सपेंडिचर का बेनिफिट सिर्फ कंपनी को मिलेगा। आपके मन में बायोलॉजिकल क्वेश्चन आ सकता है, सर कंपनी का फैमिली प्लानिंग से क्या लेन देन है? इसके लिए आपको रेगुलर बैच या फास्टैग बैच देखनी होगी जिसमें मैंने आपको हिस्ट्री बताई थी इस सेक्शन की। पर कंपनी अगर फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर इनकर करती है, कैपिटल एक्सपेंडिचर का डिडक्शन 1/5 बेसिस पे मिलेगा, इससे रिलेटेड कैपिटल एक्सपेंडिचर का डिडक्शन 1/5 बेसिस पे मिलेगा, इससे रिलेटेड जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है इसका डिडक्शन आप कभी भी ले सकते हैं, इससे रिलेटेड जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है इसका डिडक्शन आप कभी भी ले सकते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है इससे रिलेटेड इट विल बी अलाउड एज डिडक्शन, याद आ रहा है मालिक। कौन से बेसिस पे बेटा, 1/5 बेसिस पे अलाउड होगा कैपिटल एक्सपेंडिचर, यस। इसके बाद में बैंकिंग कैश ट्रांजैक्शन टैक्स, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स अलाउड एज डिडक्शन, वो कैपिटल गेन था जहां STT अलाउड नहीं था, यहाँ STT अलाउड है, प्रोवाइडेड आपने अपनी बिजनेस इनकम स्पेक्युलेटिव इनकम दिखाई हो। अगर आपने अपनी बिजनेस इनकम स्पेक्युलेटिव इनकम दिखाई है तो ही STT का डिडक्शन मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, यस। अच्छा जी, इसके बाद मार्क टू मार्केट लॉस अदर एक्सपेक्टेड लॉस एज पर ICDS,
आईसीडीएस के हिसाब से मार्क टू मार्केट लॉस या अनएक्सपेक्टेड लॉस जो होंगे ये अलाउ होगा, इसके ऊपर का जितना भी लॉस होगा ये डिसअलाउ हो जाएगा। सो आपको प्रॉब्लम में दिया होगा मार्क टू मार्केट लॉस 10,000, नीचे नोट्स दिया होगा मार्क टू मार्केट लॉस एज पर आईसीडीएस 8,000, 2,000 डिसअलाउ। प्रो राटा अमाउंट ऑफ डिस्काउंट ऑन जीरो कूपन बॉन्ड, जीरो कूपन बॉन्ड के ऊपर जो प्रो राटा डिस्काउंट है ये अलाउ होगा, यस। एंड द लास्ट वन, एक्सपेंसेस बाय कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर परचेज ऑफ शुगर केन एट अ प्राइस इक्वल टू और लेस देन सेट बाय गवर्नमेंट, यानी अगर आप गवर्नमेंट डिसाइडेड प्राइस से ज्यादा का प्राइस पे करते हैं तो वो डिसअलाउ हो जाएगा। यहाँ लिखा है वो तभी अलाउ होगा जब आप इक्वल टू द प्राइस ऑफ गवर्नमेंट पे करते हैं या लेस देन प्राइस पे करते हैं। मैं श्योर हूं आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल याद नहीं होगा, मैं आपको याद दिलाता हूँ। कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या करती थी, जानबूझ के गवर्नमेंट थी, यहाँ पे होता था टैक्स प्लानिंग। मैं बिल्कुल आपको टैक्स प्लानिंग याद दिला देता हूँ। कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या करती थी, कोऑपरेटिव सोसाइटी राइट, गवर्नमेंट का एमएसपी डिसाइड होता था कितना बेटा, सपोज किसी प्रोडक्ट के लिए 10 लाख रुपए या 10 रुपए सपोज करके रखिए, किसी प्रोडक्ट के लिए 10 रुपए सिलेक्ट होता था। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी जानबूझ के आसपास के फार्मर को कितना देती थी, 12 रुपीज देती थी। और इसे कहा जाता था कि भैया 2 रुपए कैश वापस निकाल करके दे दे, व्हाइट टू ब्लैक करने का परफेक्ट सिस्टम था। वैसे भी इसकी इनकम तो एग्रीकल्चर इनकम थी, सब कुछ एग्जम्प्टी होना था, लेकिन कंपनी 10 रुपए की जगह 12 रुपए का एक्सपेंडिचर क्लेम करके अपने प्रॉफिट को रिड्यूस करने की कोशिश करती थी। इस चीज को कर्व अप करने के लिए गवर्नमेंट ने बोला बेटा जब हमने ऑलरेडी प्राइस दे दिया है तो तुम इससे ज्यादा का प्राइस कैसे पे कर सकते हो, इक्वल टू और लेस देन द प्राइस सेट बाय गवर्नमेंट होगा, हम तुमको अलाउ करेंगे, ज्यादा कब दोगे होशियारी नहीं मानना, डिसअलाउ करेंगे, यस। इसके बाद आते हैं सेक्शन 35, मुझे बिल्कुल बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है, यस। इस पबजी में ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है। सेक्शन बात करता है साइंटिफिक रिसर्च के बारे में। सेक्शन किस बारे में बात करता है, बोलो जल्दी से, साइंटिफिक रिसर्च के बारे में बात करता है। एक जमाना था जब यहाँ पे ना परसेंटेज अलग 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 हुआ करते थे। देखिए साइंटिफिक रिसर्च आप खुद के घर में भी कर सकते हैं, या खुद से नहीं हो रहा तो दूसरों को डोनेट करो, बात तो सिंपल है, यस। या तो खुद करो, खुद से नहीं हो रहा तो डोनेट करो, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, करना चाहिए खुद से जब हो नहीं रहा तो जब खुद से नहीं हो रहा तो आप क्या कर लीजिए, डोनेट कर दीजिए। तो इनहाउस रिसर्च एक्सपेंडिचर और डोनेशन टू अदर, इनहाउस रिसर्च एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर भी चलेगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी चलेगा। सो अगर आप कंपनी में ही रिसर्च करते हैं, खुद की कंपनी में ही रिसर्च करते हैं, इससे रिलेटेड आपने कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर किए, इससे रिलेटेड कोई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इनकर किए, बोथ विल बी अलाउड एज डिडक्शन। कितना, 100%, बोथ विल बी अलाउड एज डिडक्शन। सो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का डिडक्शन कैसे मिल रहा है, 100% मिल रहा है। कैपिटल एक्सपेंडिचर का डिडक्शन कैसे मिल रहा है, 100% मिल रहा है। याद रखना होगा लैंड की कॉस्ट डिडक्शन बोल के नहीं मिलेगी, द कॉस्ट ऑफ लैंड डज नॉट बी अलाउड एज डिडक्शन। सो कैपिटल में याद रखिएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर में लैंड का डिडक्शन नहीं मिलेगा, राइट, लैंड का खर्चा खुद ही करना है, बाकी अदर एक्सपेंसेस विल बी अलाउड एज डिडक्शन। सर करंट ईयर में इनहाउस एक्सपेंडिचर किया, अलाउ। प्रीवियस ईयर्स के अंदर में बिजनेस चालू होने से पहले किया, अलाउ। कितने प्रीवियस ईयर का अलाउड है, मैक्सिमम 3 प्रीवियस ईयर, मैक्सिमम कितने प्रीवियस ईयर का अलाउड है, 3 प्रीवियस ईयर का अलाउड है, याद रखिएगा साहब। खुद से नहीं हो रहा, दूसरों को दे दो, डोनेट कर दो, यस। दूसरों को दे दिया, कितना डिडक्शन मिलेगा, 100% मिलेगा सर, दूसरों को डोनेट तो करो, 100% मिलेगा। तो आपने नेशनल लेबोरेटरी IIT को दे दिया, अप्रूव्ड साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन को दे दिया, अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी को दे दिया, ऐसी कंपनी को दे दिया जिसका मेन ऑब्जेक्ट रिसर्च करना था, तो ऐसे केस में आपको 100% अलाउड एज डिडक्शन। याद दिला दूं, अगर आप 115BAC ऑप्ट कर रहे हैं तो ये वाला बेनिफिट मिलता नहीं, याद रख लेना, यस। अनएब्सॉर्ब साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर का सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन के जैसा होता है। हाल फिलहाल में ये याद रख दीजिए, आगे देखेंगे। इसके बाद में हमने एक सेक्शन पढ़ा था, सेक्शन 35 2AB, सेक्शन 35 2AB, इन हाउस रिसर्च बाय कंपनीज। कैसा बेटा, इन हाउस रिसर्च बाय कंपनी। अगर कंपनीज इन हाउस रिसर्च कर रही है, कौन सी कंपनी सर, ऐसी कंपनी जो बायोटेक्नोलॉजी में है या मैन्युफैक्चरिंग में है, ऐसी कंपनी जो बायोटेक्नोलॉजी में है या मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एनी आर्टिकल और थिंग के अंदर में है, ये अगर खर्चा कर रही है काय में बेटा, इन हाउस रिसर्च में, लैंड का डिडक्शन नहीं मिलने वाला, बिल्डिंग के ऊपर जितना भी खर्चा कर रहे हो 100% अलाउड एज डिडक्शन, अदर कैपिटल एक्सपेंडिचर 100% अलाउड एज डिडक्शन, अदर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज ऑल्सो 100% अलाउड एज डिडक्शन। तो इससे रिलेटेड पूरे डिडक्शन मिल जाएंगे, सिर्फ लैंड का डिडक्शन मिलने वाला नहीं है इन हाउस रिसर्च के अंदर में, यस। अच्छा जी सर, इसके बाद में हम बात करते हैं सेक्शन 35 डी, प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर। याद करो
यस 35D, मैंने आपको याद दिलाया था, ये पूरी डी वाली सीरीज है, इसका डिडक्शन 150 बेसिस पे मिलता है। 35D, 35DD, 35DDA, ये पूरी सीरीज का डिडक्शन 150 बेसिस पे मिलता है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर, बिजनेस चालू होने के पहले के खर्चे या बिजनेस के एक्सपांशन के पहले के खर्चे को हम प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर बोलते हैं। प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर का डिडक्शन एनी असेसी ले सकता है, बस उसका रेसिडेंट होना जरूरी है, उसका रेसिडेंट होना जरूरी है। डिडक्शन कितना मिलेगा? 1/5 ऑफ लोअर ऑफ एक्चुअल और मैक्सिमम, 1/5 ऑफ लोअर ऑफ एक्चुअल और मैक्सिमम। यस 1/5 ऑफ लोअर ऑफ एक्चुअल और मैक्सिमम का आपको क्या मिलेगा? डिडक्शन मिलेगा। अच्छा जी सर, मैक्सिमम कितना है? एक्चुअल तो मिल जाएगा, मैक्सिमम कितना है? कंपनी है तो 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, अदर यू नो कंपनी है तो 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट और 5% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, विच एवर इज हायर। अदर देन कंपनी है तो 5% ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। वापस से देखिए, डिडक्शन कितना मिलेगा? 1/5 ऑफ लोअर ऑफ एक्चुअल और मैक्सिमम, 1/5 ऑफ लोअर ऑफ एक्चुअल और मैक्सिमम। मैक्सिमम कितना है? कंपनी है तो 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट और 5% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, विच एवर इज हायर। अदर्स है तो 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। सर प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर में क्या क्या आता है? फिजिबिलिटी रिपोर्ट का खर्चा, प्रोजेक्ट रिपोर्ट का खर्चा, मार्केट सर्वे, इंजीनियरिंग सर्विसेज, लीगल चार्जेस, ये सारे प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर में आते हैं। प्रिंटिंग ऑफ एमओए एओए, पब्लिक इशू रिलेटेड एक्सपेंसेस। कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट मतलब क्या? वट एवर द अमाउंट इन्वेस्टेड इन फिक्स्ड असेट, ये हम कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट में डालते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब क्या? शेयर कैपिटल प्लस डिबेंचर प्लस लॉन्ग टर्म बोरोइंग। रिजर्व्स एंड सरप्लस आर नॉट पार्ट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। याद रखिए, ऑडिट रिपोर्ट इज मैंडेटरी 1 month बिफोर द ड्यू डेट। यस जब भी आप प्रिलिमिनरी रिपोर्ट, प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर करेंगे, इसको आपको सर्टिफाई कराना होगा चार्टर्ड अकाउंटेंट से, जिसकी रिपोर्ट आपको लेनी होगी एटलीस्ट 1 month प्रायर टू द डेट ऑफ फाइलिंग ROI। यस चेक द लिस्ट। चेक द लिस्ट। यस मालिक। चलो जी अब आते हैं कुछ और छोटे छोटे सेक्शन पे। पहला सेक्शन है 35CCA। याद रखने का तरीका था हमारा चप्पा चप्पा एडवांसमेंट, रूरल डेवलपमेंट। अगर एसएससी की पीजीबीपी इनकम है, ही विल क्लेम डिडक्शन अंडर 35CCA। अगर उसकी पीजीबीपी इनकम नहीं है, यही डिडक्शन 80GGA में करेगा। मेरा डिडक्शन वाला वीडियो जरूर देखिएगा, उसके अंदर में हम ये डिस्कस किया है। असेसी अगर कंट्रीब्यूट कर रहा है रूरल डेवलपमेंट के लिए या पावर्टी इरेडिकेशन फंड के लिए, 100% अलाउड एज डिडक्शन। जितना खर्चा कर रहे हो अलाउड एज डिडक्शन। फिर है सेक्शन 35DD। याद रखने का तरीका, अमलगमेशन एंड डीमर्जर एक्सपेंसेस। दीदी की शादी हुई, 5 साल तक खर्चे चुकाने पड़ते हैं, राइट? तो दीदी का अमलगमेशन हुआ किसी और परिवार में, 5 साल तक के खर्चे चुकाने पड़ेंगे। 1/5 बेसिस पे अलाउड है डिडक्शन, सिर्फ मिलेगा इंडियन कंपनी को 1/5 ऑफ एक्चुअल एक्सपेंडिचर। यस 35CCC एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट। अगर कोई भी असेसी, एनी असेसी खर्चा कर रहा है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट्स के ऊपर जो बोर्ड ने नोटिफाई किया है, यस एज नोटिफाइड एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट, तो आपको डिडक्शन मिलेगा कितना परसेंट बेटा? 100%। यस आपको डिडक्शन मिलेगा कितना बेटा? 100%। याद रखिएगा, लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर किया गया खर्चा अलाउड नहीं है। अगर एसएससी 115BAC ऑप्ट करता है तो ये डिडक्शन आप क्लेम नहीं कर सकते, याद रखिएगा। फिर हमने देखा था 35CCD, याद होगा, तो सीसीडी में जाके हमारे स्किल डेवलप हो जाते हैं। तो 35CCD 100% अलाउड एज डिडक्शन, हालांकि यहां पे भी लैंड एंड बिल्डिंग का डिडक्शन नहीं मिलेगा। याद रखना होगा 35CCD में आप जितना डोनेशन, देखिए आप 35CCA लें, CCC लें या CCD लें, इनमें आपने जितना भी खर्चा किया PNL को डेबिट किया, 100% अलाउड है डिडक्शन। अब ये खर्चा अगर PNL को डेबिट है, आपको क्या करना है? कुछ नहीं, जो ऑलरेडी डेबिट है उसको आपको कुछ नहीं करना है, अलाउड भी है। इसके बाद हम कहेंगे 40A7, 40A9। अरे बड़ा सिंपल है साहब, बड़ा सिंपल है। 40A7, 40A9 इतना छोटा सेक्शन होता है कि आदमी तो पर्सनल नोट्स में बनाना भी भूल जाए। ध्यान से सुनना, राइट? सेक्शन 40A7, 40A9 क्या बात करता है? 40A7 कहता है अगर अनअप्रूव्ड ग्रेचुटी है,
अनअप्रूव्ड ग्रेचुटी है तो ना इसका पेमेंट अलाउड है ना इसका प्रोविजन अलाउड है. अगर ग्रेचुटी अनअप्रूव्ड है ना इसका प्रोविजन अलाउड है ना इसका पेमेंट अलाउड है. 40A9 कहता है अनरिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड का ना पेमेंट अलाउड है ना प्रोविजन अलाउड है. अनरिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड का ना पेमेंट अलाउड है ना प्रोविजन अलाउड है. आरपीएफ चलेगा, पीपीएफ चलेगा, एसपीएफ चलेगा, सुपर एनुएशन फंड चलेगा, ये डेबिटेड है. इनका प्रोविजन भी चलेगा, इनका पेमेंट भी चलेगा, लेकिन प्रोविजन को डिडक्शन तभी मिलेगा जब 43B के हिसाब से एक्चुअल पेमेंट हुआ होगा. यही ये यूआरपीएफ होगा, यही ये अनअप्रूव्ड ग्रेचुटी फंड होगा, इसका डिडक्शन मिलने वाला नहीं है. तो इसका एडजस्टमेंट डाला कैसे जाएगा? पीएनएल के अंदर में ग्रेचुटी फंड लिखा होगा, नीचे जाके नोट में लिख देते हैं द ग्रेचुटी फंड इज अनअप्रूव्ड, लेना एड बैक कर देना. समझ में आया कैसे एडजस्टमेंट होगा? बहुत बढ़िया जी. फिर हम आते हैं सेक्शन 38 पे, पार्टली बिजनेस पार्टली पर्सनल एक्सपेंडिचर. मान लीजिए अगर बिजनेस पार्टली बिजनेस पर्पज के लिए यूज किया जा रहा है कोई खर्चा और पार्टली पर्सनल पर्पज के लिए यूज किया जा रहा है, तो जितना बिजनेस पर्पज के लिए है वही एओ अलाउ करेगा. जितना बिजनेस पर्पज के लिए है वही एओ क्या करेगा बेटा? अलाउ करेगा. क्या तुम्हें याद है? यस, चेक करो. आधा भी जीबी भी रिवाइज हो गया अपना, समझ रहे हो? कुछ जीवन में मेरे को जाना पड़ेगा. बहुत पीछे भी पे बाकी है, मीटिंग है. वैसे एक मैसेज आया मेरे को, सुनो. विजय, माय ट्रेन कैंसल्ड. यस, चलिए अब आगे बढ़ते हैं. डेप्रिसिएशन की बारी आ गई है, अब हमें डेप्रिसिएशन पढ़ना होगा. डेप्रिसिएशन आप सभी को पता है इंपॉर्टेंट है, मैं बताऊंगा उसके बाद नहीं पता चलना चाहिए, ये तुम्हें पहले ही पता चलना चाहिए कि ये क्या है बेटा, इंपॉर्टेंट. डेप्रिसिएशन क्लेम करने के लिए चार कंडीशन थी, आपको याद होना चाहिए. पहला, असेसी मस्ट बी ओनर. असेसी कौन होना चाहिए? ओनर. यस, असेट मस्ट बी पुट टू यूज. डेप्रिसिएशन जो होता है ये पुट टू यूज से मिलता है, ना कि आपके जब से असेट आप एक्वायर करते हैं तब से. एंड तीसरा, राइट, डेप्रिसिएशन इज अलाउड ऑन द ब्लॉक ऑफ असेट एट द प्रिस्क्राइब रेट. यस, इस साल का अमेंडमेंट आया था आपको अगर याद हो तो, गुडविल परचेज हो या सेल्फ जनरेटेड हो, इसको हम क्या नहीं करते, हम ब्लॉक का पार्ट नहीं मानते और उसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी नहीं देते. तो ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है. मैंने क्लास में इसके ऊपर प्रॉब्लम सॉल्व कराया था, फास्टैग में भी इस पर प्रॉब्लम सॉल्व कराया, तो ये एक प्रॉब्लम जरूर देख के जाइएगा. यस, याद रखिए, लीज के केस में हमेशा लेसोर को डेप्रिसिएशन मिलता है, हायर परचेस के केस में यस डेप्रिसिएशन जो होगा ये हायर परचेसर क्लेम करेगा. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, डेप्रिसिएशन जो है ये मैंडेटरी है, असेसी के पास ऑप्शन नहीं है इसको क्लेम करने के अलावा, याद है बेटा तुम लोग को. फिर एक सेक्शन था सेक्शन 32 एक्सप्लेनेशन 1 डीम्ड बिल्डिंग. ये कहता था कि अगर मान लीजिए टेनेंट ने कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर किया है तो टेनेंट के लिए वो बिल्डिंग मान करके टेनेंट को डेप्रिसिएशन मिल सकता है. सो वेयर द टेनेंट इनकर कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन अ बिल्डिंग, देन इट कैन बी ट्रीटेड एज डीम्ड बिल्डिंग एंड डेप्रिसिएशन इज अलाउड टू टेनेंट. चलिए फटाक से सेक्शन 43(6) देख लेते हैं कि ब्लॉक कैसे कैलकुलेट किया जाता है. याद करो बेटा, देखो याद आना चाहिए. सबसे पहले WDV ऑफ द ब्लॉक, इसमें ऐड करना है एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द एसेट. क्या ऐड करना है? एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द एसेट. एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द एसेट कहां लिखा है? सेक्शन 43(1). सेक्शन 43(1) के हिसाब से एक्चुअल कॉस्ट ऐड करना. इसमें से सेल डिस्कार्डेड डिमोलिश डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग द ईयर से अगर कोई आपको कंपनसेशन या अमाउंट मिला होगा ये माइनस करना, आपको आ जाएगा WDV. WDV के बाद में डेप्रिसिएशन लेना स्पेसिफाइड रेट के ऊपर. यस, आ जाएगा क्लोजिंग WDV. CIT वर्सेस केबल कॉर्पोरेशन का एक केस बड़ा इंपॉर्टेंट है जिसके ऊपर हम लोग PGBP का बहुत सारा पॉइंट डालते हैं. याद दिलाता हूं क्या, मान लीजिए मैंने असेट लिया था 5 लाख रुपए का, ये असेट 5 लाख रुपए का ऐड किया था किसके अंदर में? ब्लॉक के अंदर में, बराबर है. अब ये असेट मैंने 50,000 रुपीज का सेल किया, ये असेट मैंने 50,000 रुपीज का सेल किया, मुझे बताइए ब्लॉक में से कितने माइनस किया जाएंगे? 5 लाख, 4,50,000 या 50,000? मैंने 5 लाख रुपीज का असेट लिया था और 50,000 में मैंने इसे सेल कर दिया. जब मैं ब्लॉक से माइनस करता रहूंगा सेल डिस्कार्डेड डिमोलिश, कितना वैल्यू माइनस करूं? 5 लाख, 4,50,000 या 50,000? आंसर इज यस, 50,000. मतलब जितना अमाउंट आपको एक्चुअली मिला है उतना ही आप लेस करेंगे. सो एक्चुअल सेल्स प्राइस शैल बी रिड्यूस फ्रॉम WDV एंड नॉट इट्स फेयर मार्केट वैल्यू. क्लियर है मालिक? अच्छा जी सर. फिर डेप्रिसिएशन के रेट, चलो जल्दी से मेरे को कमेंट करके बताना या वॉइस निकाल करके बताना डेप्रिसिएशन के रेट क्या होंगे. बिल्डिंग याद करके देखो कितना परसेंट था,
10%, यस जनरली बिल्डिंग का था 10%, यही अगर पर्सनल बिल्डिंग हुई तो 5%, टेम्पररी स्ट्रक्चर कितना था बेटा 40%, यस प्लांट एंड मशीनरी, जब भी कुछ ना मिले सब उठा के किधर डाल दो, प्लांट एंड मशीनरी याद आ रहेगा तुमको, प्लांट एंड मशीनरी के लिए जनरल रेट कितना है बेटा 15%, यस मोटर कार जो यूज फॉर हायर पर्पज है कितना परसेंट बेटा 30%, यस इनटेंजिबल्स के लिए कितना परसेंट है बेटा 25%, यस इसके बाद में एक और चीज था फर्नीचर, फर्नीचर के लिए कितना परसेंट है बेटा 10%, मोटे मोटे तौर पे ये चार रेट याद रखिएगा, इसके अलावा दो रेट और याद रखने, कंप्यूटर का कितना था बेटा याद करके देखो, कंप्यूटर इंक्लूडिंग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर 40%, एंड एक और चीज जो पूछी जाती है बुक्स इंक्लूडिंग एनुअल पब्लिकेशन कितना बेटा 40%, मोटे मोटे तौर पर अगर आप ये छह रेट याद रख लो तो आपका काम हो जाएगा, आपको सारे क्वेश्चन इसी पे बेस्ड होने हैं, यस अच्छा जी चलो आगे बढ़ते हैं, कंप्यूटर के साथ साथ कंप्यूटर एक्सेसरीज के ऊपर भी डेप्रिसिएशन का रेट कितना है बेटा 40% है, यस ईपी बैग्स कोई कंप्यूटर नहीं है और इसी के लिए 15% ही रेट ऑफ डेप्रिसिएशन मिलेगा, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है राइट अच्छा जी सर डेप्रिसिएशन इन केस ऑफ अमलगमेशन, अमलगमेशन के केस में डेप्रिसिएशन कैसे निकाला जाएगा याद करके देखो बेटा, इसे दो स्टेप के अंदर में निकाला जाता है, स्टेप नंबर वन कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन एज इफ नो अमलगमेशन हैज टेकन प्लेस एंड देन डिवाइड द टोटल डेप्रिसिएशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डेज असेट इज यूज्ड, हमने हमारी बुक के अंदर में इसमें तीन प्रॉब्लम सॉल्व किए, हेमंत नाम का, शिरडी एंड साई नाम का, राइट शिरडी एंड साई नाम का, हेमंत नाम का और एक आरव नाम का, राइट आपने इसके अंदर में शिरडी एंड साई वाला जो एग्जांपल है ये करके जाना है, इसमें सारे एडजस्टमेंट्स कवर्ड है राइट अच्छा जी सो कैलकुलेट द टोटल डेप्रिसिएशन एज इफ नो अमलगमेशन हैज टेकन प्लेस एंड डिवाइड द टोटल डेप्रिसिएशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डेज, याद करके देखो जो असेट ऑर्गेनाइजेशन के पास ऑलरेडी है इनके नंबर ऑफ डेज 1 अप्रैल से काउंट किए जाएंगे और जो नए लिए ड्यूरिंग द ईयर ऑफ अमलगमेशन उसका फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन आपको क्या करना है काउंट करना है यस याद करिए डेप्रिसिएशन की श्रृंखला में 32.1.1 भी दिया हुआ है दैट इज डेप्रिसिएशन इन केस ऑफ पावर जनरेटिंग यूनिट, यस पावर जनरेटिंग यूनिट के पास क्या है बेटा ऑप्शन है, क्या है बेटा ऑप्शन है कि वो डेप्रिसिएशन एसएलएम पे भी ले सकते हैं और डब्ल्यूडीवी पे भी ले सकते हैं, यस अच्छा जी ऐसा असेट जिनके ऊपर आपने एसएलएम बेसिस पर डेप्रिसिएशन क्लेम किया, ये असेट जब भी फ्यूचर में सेल होगा, ये असेट जब भी फ्यूचर में सेल होगा प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा, जो असेट आपने डेप्रिसिएशन जिस पे एसएलएम बेसिस पे लिया है ये असेट फ्यूचर में जब भी सेल होगा या तो इसमें प्रॉफिट आएगा या तो इसमें लॉस आएगा, अगर इसके अंदर में लॉस आया तो हम इसे कहते हैं टर्मिनल डेप्रिसिएशन विच इज अलाउड एज डिडक्शन, टर्मिनल डेप्रिसिएशन पीएनएल को डेबिट कर दीजिए अलाउड एज डिडक्शन, अगर इसमें प्रॉफिट आया तो अप टू एन अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन क्लेम इसे बैलेंसिंग चार्ज माना जाएगा जो पीजीबीपी में टैक्सेबल होगा, मतलब अब तक इसके ऊपर जितना डेप्रिसिएशन आपने क्लेम किया है उतनी अमाउंट तक का अमाउंट क्या माना जाएगा आपका पीजीबीपी माना जाएगा सेक्शन 41 में टैक्सेबल होगा, और ओवर एंड अबव आपको कुछ मिला होगा कॉस्ट के तो उसे क्या माना जाएगा कैपिटल गेन माना जाएगा एज पर सेक्शन 50A, सो मान लीजिए अगर मैंने कोई असेट था जिसपे एसएलएम बेसिस पर डेप्रिसिएशन क्लेम किया था ये असेट अगर फ्यूचर में सेल होता है प्रॉफिट आता है तो अप टू एन अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन क्लेम हमारा बैलेंसिंग चार्ज माना जाएगा, ओवर एंड अबाउट डेप्रिसिएशन क्लेम हमारा क्या माना जाएगा कैपिटल गेन माना जाएगा, याद रखना ये जो कैपिटल गेन होगा ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा क्योंकि डेप्रिसिएबल एसेट सेल करने पे जो गेन आता है ये हमेशा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है, तो याद रखिएगा डेप्रिसिएबल एसेट सेल करने पे जो गेन आता है ये हमेशा क्या होता है बेटा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है, जिस पे इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता ये मैंने मेरे कैपिटल गेन वीडियो में ऑलरेडी बोल दिया है तो ध्यान से सुनिएगा राइट टर्मिनल डेप्रिसिएशन अगर पीएनएल को डेबिटेड है कुछ करने की जरूरत नहीं है, बैलेंसिंग चार्ज पीएनएल को क्रेडिटेड है कुछ करने की जरूरत नहीं है, अब डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट दिया कैसे जाता है मैं आपको ये बता देता हूं, आपको क्या किया जाता है डेप्रिसिएशन पीएनएल को डेबिट किया जाता है और नीचे नोट्स के अंदर में लिखा जाता है, जैसे पीएनएल को डेबिट कर देंगे 2 लाख और नीचे नोट्स के अंदर में लिख देंगे डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्सेस 1,80,000, क्या करना है आपको दो ऑप्शन है आपके पास, या तो 2 लाख रुपीज एडबैक करे और 1,80,000 लेस करे या 20,000 एडबैक करे, दोनों में से दोनों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है कुछ भी कर सकते हो राइट मालिक अच्छा जी सर डेप्रिसिएशन अधूरा है जब तक के एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं आ जाता, पहले के काम की बात अगर आपने 115BAC ऑप्ट किया है एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलता नहीं, यस मैं जानबूझ के बार बार आपको 115BAC भी बीच बीच में याद दिला रहा हूं क्योंकि वो ऑप्शनल टैक्स स्कीम है आपको याद रहना ही चाहिए, चलो थोड़ा सा याद करके देखते हैं जल्दी से कमेंट करके मेरे को बताइएगा राइट अच्छा जी जल्दी से कमेंट करके मेरे को बताइएगा क्या हर असेसी को एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलता है, नहीं ओनली 3 असेसी गेट्स एडिशनल डेप्रिसिएशन, पहला असेसी एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग
दूसरा पावर जनरेशन डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसमिशन सीबीडीटी का सर्कुलर था, प्रिंटिंग एंड पब्लिकेशन, राइट। सो मैन्युफैक्चरिंग होना चाहिए, पावर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसमिशन होना चाहिए, प्रिंटिंग एंड पब्लिकेशन होना चाहिए। क्या एक्वायर करना है एडिशनल डेप्रिसिएशन के लिए? न्यू प्लांट एंड मशीनरी। कितने तारीख के बाद एक्वायर करना है? 2005। तो आपको क्या मिलेगा एडिशनल डेप्रिसिएशन? कितना? 20% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट। याद आ रहा है क्या? तो आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा 20% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट। हालांकि न्यू प्लांट एंड मशीनरी डज नॉट इंक्लूड, ये काम की चीज है क्योंकि प्रॉब्लम में ये पूछा जाता है, राइट। कैसे पूछा जाएगा? आपको प्रॉब्लम दिया जाता है और उसी में लिखा जाता है न्यू प्लांट एंड मशीनरी इंक्लूड्स 2 लाख वर्थ ऑफ सेकेंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी। तो याद रखना होगा सेकेंड हैंड पे डेप्रिसिएशन मिलेगा, एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। यस, दूसरों के लिए सेकेंड हैंड होगी, आपके लिए तो फर्स्ट हैंड है, तो आपको एडिशनल नहीं मिलेगा, नॉर्मल डेप्रिसिएशन आपको जरूर मिलेगा। यस, अच्छा जी, कौन सी मशीन सेकेंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी में नहीं आती? याद करके देखो, कुछ याद है तो। सेकेंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉल्ड इन एनी ऑफिस और गेस्ट हाउस, प्लांट एंड मशीनरी बींग गुड ट्रांसपोर्ट व्हीकल, याद आ रहा है, ट्रांसपोर्ट व्हीकल। चौथा शिप एयरक्राफ्ट और द होल कॉस्ट ऑफ विच इज अलाउड एज डिडक्शन। यस, सो प्लांट एंड मशीनरी, सेकंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी, याद रखे इन पांचों आइटम पे डेप्रिसिएशन मिलेगा, एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉल्ड इन एनी ऑफिस और गेस्ट हाउस, ऑफिस अप्लायंस, रोड ट्रांसपोर्ट एजेंसी, होल कॉस्ट ऑफ विच इज अलाउड एज डिडक्शन, शिप और एयरक्राफ्ट। याद रखने पॉइंट है 1, 2, 3, ये 3 पॉइंट याद रखने लायक पॉइंट है। बताइए अगर असेट 180 दिन से कम यूज करा, नया असेट एक्वायर किया 180 दिन से कम यूज किया, फुल डेप्रिसिएशन मिलता है या हाफ डेप्रिसिएशन मिलता है? हाफ डेप्रिसिएशन मिलता है ऑफ द नॉर्मल रेट। यस, हाफ डेप्रिसिएशन मिलता है ऑफ द नॉर्मल रेट। ओके, क्या एडिशनल डेप्रिसिएशन में भी ये रूल एप्लीकेबल है? यस, एडिशनल डेप्रिसिएशन में भी ये रूल एप्लीकेबल है। मतलब अगर आपने असेट एक्वायर किया और पुट टू यूज किया फॉर लेस देन 180 डेज, तो यहां पे भी एडिशनल डेप्रिसिएशन का 20% की जगह 10% हो जाएगा। यहां पे एक एक्सेप्शन था, क्या बैलेंस 10% सब्सिक्वेंट ईयर में मिलेगा? यस, यहां पे बैलेंस 10% आपको कब मिलेगा बेटा? सब्सिक्वेंट ईयर के अंदर में मिलेगा। सो डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन 180 दिन से ज्यादा यूज किया जिस साल असेट एक्वायर किया, फुल डेप्रिसिएशन, अदरवाइज हाफ डेप्रिसिएशन, जनरल रूल। वो जनरल रूल यहां पे भी एप्लीकेबल है, 180 दिन से ज्यादा यूज किया आपने असेट, फुल एडिशनल डेप्रिसिएशन, अदरवाइज हाफ एडिशनल डेप्रिसिएशन, बट सब्सिक्वेंट ईयर के अंदर में बैलेंस 10% आपको मिल जाता है। याद रखिएगा ये एडजस्टमेंट नॉर्मल डेप्रिसिएशन के लिए नहीं है, सिर्फ एडिशनल डेप्रिसिएशन के लिए। क्लियर है मालिक? अच्छा जी, कुछ बातें बस आपको याद दिला दूं, कुछ बातें मैं आपको याद दिला दूं। पहला, एडिशनल डेप्रिसिएशन पावर जनरेटिंग यूनिट को नहीं मिलता जो एसएलएम बेसिस पर डेप्रिसिएशन कंप्यूट कर रहे हैं। एडिशनल डेप्रिसिएशन पावर जनरेटिंग यूनिट को नहीं मिलता जो एसएलएम बेसिस पे क्या कर रहे हैं? डेप्रिसिएशन कंप्यूट कर रहे हैं। याद रखिएगा एडिशनल डेप्रिसिएशन भी डब्ल्यूडीवी में से क्या किया जाता है? माइनस किया जाता है। यानी जब आप नेट डब्ल्यूडीवी निकालेंगे, ओपनिंग डब्ल्यूडीवी प्लस एक्चुअल कॉस्ट लेस सेल्स, याद आना चाहिए तेरे को अभी, ओपनिंग डब्ल्यूडीवी एड एक्चुअल कॉस्ट लेस सेल्स, डब्ल्यूडीवी, डब्ल्यूडीवी में से नॉर्मल डेप्रिसिएशन, एडिशनल डेप्रिसिएशन माइनस होगा तो तेरा नेट डब्ल्यूडीवी या क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी आएगा। याद आ रहा है मालिक? यस और नो? चलो जी, इसके बाद आता है सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ डेप्रिसिएशन। हम इसे अलग शब्दों में अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन भी कहते हैं, सेक्शन 32(2). सेक्शन 32(2), अगर मान लीजिए करंट ईयर में आप लोगों ने डेप्रिसिएशन एब्जॉर्ब नहीं कर पाया होगा, तो ऐसे डेप्रिसिएशन को आप क्या कहते हैं? अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन। अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन किसी भी हेड के साथ सेट ऑफ हो सकता है एक्सेप्ट सैलरी। सर क्यों? पीजीबीपी लॉस सैलरी से सेट ऑफ नहीं हो सकता। सो अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन भी सैलरी छोड़ के हर हेड से सेट ऑफ हो सकता है। मान लीजिए करंट ईयर में कोई और हेड नहीं है, कोई और इनकम नहीं है, क्या आप इसे कैरी फॉरवर्ड करेंगे? जी हाँ, कैरी फॉरवर्ड करेंगे। कितने सालों तक के लिए? अनलिमिटेड पीरियड के लिए। अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर, अनएब्जॉर्ब फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर, तीनों अनलिमिटेड पीरियड के लिए कैरी फॉरवर्ड होते हैं। आपने सुना नहीं ध्यान से, आप कहीं और थे, वापस से सुनिए। अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन, फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर एंड अनएब्जॉर्ब साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर, तीनों अनलिमिटेड पीरियड के लिए कैरी फॉरवर्ड किए जाते हैं। यस, याद करिए। अच्छा सर बताइए, कोई भी लॉस हमें कैरी फॉरवर्ड करना होता है तो रिटर्न टाइम पे भरना जरूरी होता है। याद करिए, कोई भी लॉस अगर हमें कैरी फॉरवर्ड करना है तो रिटर्न टाइम पे भरना जरूरी होता है। मेरा सेट ऑफ का वीडियो इस पे जरूर देखिएगा, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड वाला, राइट। सो कोई भी लॉस अगर हमें सेट ऑफ करना है तो हमें क्या करना होता है? रिटर्न टाइम पे भरना होता है। लेकिन क्या आपको पता है एचपी एंड अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन ऐसे लॉसेज है जिनका रिटर्न टाइम पे नहीं भरा
तो भी आप लॉस कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, जिनका रिटर्न टाइम पे नहीं भरा तो भी आप इनका क्या कर सकते हैं, लॉस कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो भैया अगेंस्ट एनी बिजनेस बैलेंस इफ एनी अगेंस्ट एनी अदर हेड, जब मैं एनी अदर हेड कह रहा हूं तो इसका मतलब है एक्सेप्ट सैलरी एंड विनिंग फ्रॉम कैजुअल इनकम। कैजुअल इनकम से कोई लॉस सेट ऑफ नहीं हो सकता, इसलिए अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन भी नहीं होगा। यस, अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन कैरी फॉरवर्ड हो सकता है इवन इफ रिटर्न आपने टाइम पे फाइल नहीं किया। क्लियर है मालिक? फॉर्मेट टू सॉल्व डेप्रिसिएशन, आप डेप्रिसिएशन इस फॉर्मेट में सॉल्व करें कभी भी बेटर है। फॉर्मेट याद दिलाता हूं, हम लोगों ने क्लास और फास्टैग दोनों में किया हुआ है। सबसे पहले असेट, उसके बाद ओपनिंग WDV, एडिशन सेल्स, क्लोजिंग WDV, डेप्रिसिएशन, फाइनल क्लोजिंग WDV। अगर एक से ज्यादा असेट है ये वाला फॉर्मेट यूज करें, आंसर बहुत सही आएगा। यस, अब आते हैं सेक्शन 50 के ऊपर। सर सेक्शन 50 के ऊपर सेल ऑफ डेप्रिसिएबल असेट, आपको मैं याद दिला दूं डेप्रिसिएबल असेट जब भी सेल होगा तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माइनस WDV ऑफ द ब्लॉक, जहां होल ब्लॉक सेल हो गया है, याद करिए जहां होल ब्लॉक सेल हो गया है, राइट, देर आर नो अदर असेट इन द ब्लॉक, राइट, देर आर नो असेट इन द ब्लॉक, और आपने पूरा का पूरा ब्लॉक सेल कर दिया, गेन आया तो इस गेन को आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहोगे, लॉस आया तो आप इसे शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कहोगे। क्लियर है? यही अगर पार्ट ऑफ द ब्लॉक सोल्ड किया है तो पार्ट ऑफ द ब्लॉक सोल्ड करने के बाद अगर असेट भी है और वैल्यू भी है ब्लॉक में, पार्ट ऑफ द असेट सेल करने के बाद अगर असेट भी है और वैल्यू भी है ब्लॉक में, क्या आप डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हो? यस, आप डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हो, राइट। चलिए सर अब आते हैं एक्चुअल कॉस्ट के ऊपर। सेक्शन 43(1) आपको एक्चुअल कॉस्ट की बात करता है। सेक्शन 43(1) आपसे किस बारे में बात करता है? एक्चुअल कॉस्ट की बात करता है। सर मैं आपको बता दूं एक्चुअल कॉस्ट क्या होता है, मैं आपको बता दूं एक्चुअल कॉस्ट क्या होता है, राइट। एक्चुअल कॉस्ट टेक्निकली ये टेढ़ा ही है और ये टेढ़ा ही आएगा, जरा ध्यान से सुनना, आपकी बुक जो भी होगी आप उसमें देख लीजिएगा, राइट। एक्चुअल कॉस्ट क्या होता है कि आप कितना वैल्यू काय में ऐड करेंगे, ब्लॉक में ऐड कर देंगे फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन। यहां पे 13 एक्सप्लेनेशन दिए हुए हैं, हालांकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 13 काम की नहीं है, राइट। आपने रेगुलर क्लास या फास्ट ट्रैक के अंदर में पूरे डिटेल में पढ़ा होगा, रिवीजन के अंदर में आपको पूरे डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं, इसमें से कुछ आइटम मैं बता रहा हूं, ये आप एक्चुअल कॉस्ट में याद रख लीजिएगा, काम हो जाएगा। क्लियर है? एक्चुअल कॉस्ट जनरली क्या होता है, ये वो वैल्यू होती है जो हम WDV निकालने के लिए ऐड करते हैं, याद कर ओपनिंग WDV, ऐड एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द एसेट। तो ये एक्चुअल कॉस्ट में हमें कितना ऐड करना है ये सेक्शन 43(1) बताता है, राइट। पहला मान लीजिए अगर असेट तूने परचेस किया है, यस, ये तो आप वैसे भी बता दोगे, अकाउंट्स वाला ही कंसेप्ट है, जितना कॉस्ट अप टू द डेट असेट पुट टू यूज के लिए लगा होगा क्या वो सारा कॉस्ट कैपिटलाइज किया जाता है, इंक्लूडिंग द इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, ये पूरा का पूरा तू ऐड कर देगा। लेस, इसमें से अगर असेट के अगेंस्ट में कोई बेनिफिट सब्सिडी मिली होगी ये माइनस कर देगा क्या? बिल्कुल माइनस कर देगा, ये बन जाएगा तेरा एक्चुअल कॉस्ट। अगर असेट तुझे गिफ्ट विल इनहेरिटेंस में मिली होगी तो तुझे नहीं लगता कॉस्ट मीन्स कॉस्ट टू प्रीवियस ओनर हो जाएगा, या WDV इन द हैंड्स ऑफ प्रीवियस ओनर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए फिर आता है एक्सप्लेनेशन 5। मान लीजिए प्राइवेट प्रॉपर्टी थी, इसको बिजनेस प्रॉपर्टी में कन्वर्ट किया। एक्सप्लेनेशन 5, प्राइवेट प्रॉपर्टी थी इसको बिजनेस प्रॉपर्टी में कन्वर्ट किया, बिल्डिंग है अदर देन बिल्डिंग है, अगर बिल्डिंग है तो एक्चुअल कॉस्ट लेस नोशनल डेप्रिसिएशन लेना पड़ता है। मैंने आपसे कहा भी था क्लास में कि ये सही नहीं है, बट लॉ इस तरह से ही वर्क करता है, राइट। अगर मान लीजिए पर्सनल असेट था और आपने इसे बिजनेस असेट में कन्वर्ट कर दिया, इसके ऊपर थ्योरी क्वेश्चन पूछा जाता है, पर्सनल असेट था आपने बिजनेस असेट के अंदर में कन्वर्ट कर दिया, राइट, अब क्या होगा? सर अगर ये बिल्डिंग है अदर देन बिल्डिंग है, बिल्डिंग है तो एक्चुअल कॉस्ट लेस नोशनल डेप्रिसिएशन, आप उसकी वैल्यू रिकॉग्नाइज करोगे बुक्स में। सर हम बुक्स में क्यों रिकॉग्नाइज करेंगे? भैया अब तक के पर्सनल प्रॉपर्टी थी, अब आप वो बिजनेस प्रॉपर्टी बना रहे हो, पर्सनल प्रॉपर्टी पे आपने डेप्रिसिएशन नहीं लिया होगा, बिजनेस प्रॉपर्टी पे अब डेप्रिसिएशन मिलेगा, तो आपको उसको ब्लॉक में तो ऐड करना पड़ेगा। तो जब पर्सनल प्रॉपर्टी बिजनेस में कन्वर्ट होगी, अगर ये बिल्डिंग है तो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग लेस नोशनल डेप्रिसिएशन, आप नेट कॉस्ट को ही क्या करोगे, कंसिडर करोगे। यही अगर अदर देन बिल्डिंग है तो एक्चुअल कॉस्ट को ही लेना पड़ता है। लेट मी गिव यू टू एग्जाम्पल, मान लीजिए मैंने 5 साल पहले कोई कार ली थी और ये कार क्या हो गया, मैं बिजनेस के अंदर में आज कन्वर्ट कर रहा हूं। 5 साल पहले ये कार मैंने 3 लाख रुपीज में ली थी, आज जब मैं इसे बिजनेस में कन्वर्ट करूंगा उसकी वैल्यू क्या लूंगा डेप्रिसिएशन पर्पज के लिए, 3 लाख। ये मैंने आपको बताया भी था कि यार ये गलत है, 5 साल में तो उसका वैल्यू पूरा खत्म हो चुका होगा, फिर भी लॉ उसको 5 लाख पे रिकॉग्नाइज करता है। जबकि बिल्डिंग के केस में क्या किया जा रहा है, एक्चुअल कॉस्ट लेस नोशनल डेप्रिसिएशन माइनस किया जा रहा है, ये 5 सालों का डेप्रिसिएशन माइनस करके जो वैल्यू आएगी आपको वो लेनी पड़ेगी। यस,
तो ये एक्चुअली गलत है, पर वर्क किस तरीके से होता है। इसके बाद अगर आपको याद हो, इसके बाद अगर आपको याद हो, अगर असेट बोरोड कैपिटल के थ्रू उठाया है, यस एक्सप्लेनेशन एट, अगर असेट बोरोड कैपिटल के थ्रू उठाया है तो एक्चुअल कॉस्ट के अंदर में उतना इंटरेस्ट जितना अप टू द डेट पुट टू यूज है वो क्या किया जाएगा, एडबैक किया जाएगा। राइट, वो क्या किया जाएगा, एडबैक किया जाएगा। अब आते हैं एक्सप्लेनेशन 9। मान लीजिए जब मैंने असेट परचेज किया, इसके ऊपर मेरे को जीएसटी लग के भी आया और मैंने जीएसटी का इनपुट क्लेम कर लिया, तो बताइए असेट का वैल्यू क्या लेंगे, असेट प्लस जीएसटी या असेट विदाउट जीएसटी? गलत, असेट विदाउट जीएसटी अगर मैंने इनपुट का क्लेम कर लिया है तो एक तरफ मैं इनपुट भी क्लेम कर लूंगा और यहां पे असेट की कॉस्ट भी बढ़ा दूंगा, ये सही नहीं है। तो अगर असेट विथ जीएसटी लग के आया है, राइट, और मैंने उसका इनपुट क्लेम किया है, सेनवेट क्रेडिट क्लेम किया है, तो मैं क्या करूंगा, इनपुट हटा के जो नेट वैल्यू रहेगा वही एक्चुअल कॉस्ट में ऐड करूंगा। हालांकि अगर मैंने इनपुट क्लेम नहीं किया होगा जीएसटी का तो मैं ग्रॉस वैल्यू कंसिडर करूंगा। वापस से सुनिए, अगर असेट काय के ऊपर लग के आया है, जीएसटी लग के आया, प्लस जीएसटी आया है, असेट 100 रुपए का, 18 रुपए जीएसटी, अगर मैंने ये 18 रुपए का क्लेम इनपुट क्लेम कर लिया तो मैं सिर्फ 1000 रुपीज मेरा एक्चुअल कॉस्ट लूंगा। अगर ये 18 रुपए मैंने क्लेम नहीं किया तो मैं 118 रुपीज का असेट का एक्चुअल कॉस्ट मानूंगा। यस ऑनो मालिक, यस। चलिए यहां पे हमारा एक्चुअल कॉस्ट का लास्ट पार्ट आता है, एक्सप्लेनेशन 13। अगर मान लीजिए कोई असेट है जिसपे 35 AD का डिडक्शन लिया है, अगर कोई असेट है जिसपे 35 AD का डिडक्शन लिया है, अब आपने उस असेट का 35 AD में डिडक्शन ले लिया, मतलब यहां पे तो उसकी एक्चुअल कॉस्ट क्या पकड़ी जाएगी बेटा, नील। तो यहां पे उसकी एक्चुअल कॉस्ट क्या पकड़ोगे आप, नील। क्लियर है ये पॉइंट? वापस वही लिखा है कि भैया गुडविल जो है ये 2020 2020-21 लास्ट प्रीवियस ईयर रहेगा गुडविल के लिए, 2020-21 के बाद गुडविल हमारे ब्लॉक के अंदर में इंक्लूड होना नहीं चाहिए। यस, यानी गुडविल को छोड़ करके बाकी इंटेंजिबल पे डेप्रिसिएशन मिलेगा क्या? यस, गुडविल पे नहीं मिलने वाला। यस, इसके बाद आते हैं हम लोग सेक्शन 35 AD के ऊपर। इसके बाद आते हैं सेक्शन 35 AD, इसको एक नाम है अगर आपको याद हो तो, सेक्शन 35 AD को एक नाम है, हमने हमारे रेगुलर क्लास के अंदर में MNO नाम का एक प्रॉब्लम सॉल्व किया है इस पे, वो प्रॉब्लम देख के जाइएगा आपका सब कुछ हो जाएगा, उसमें सारे एडजस्टमेंट कवर्ड है, जिसका नेट आंसर 20 लाख रुपए आया था। यस, चलो याद करके देखो 35 AD क्या था, इसे हम कहते हैं स्पेसिफाइड बिजनेस। इसे हम क्या कहते हैं, स्पेसिफाइड बिजनेस। अगर असेसी इन चीजों के ऊपर कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर कर रहा है, अगर एसएससी इस बिजनेस के ऊपर कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर कर रहा है, द कैपिटल एक्सपेंडिचर इज अलाउड एज डिडक्शन 100%। याद होगा तो इस सेक्शन में अब हर बिजनेस 100% पे आता है, तो आपको इधर दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, बिजनेस पे दिमाग लगाने की जरूरत है। तो एनलिस्ट किए हुए हैं कुछ आइटम, आइटम याद दिला देता हूं, क्रॉस कंट्री नेचुरल गैस पाइपलाइन, वेयर हाउसिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, हॉस्पिटल विथ 100 सिंगल बेड, याद आ रहा है क्या, हॉस्पिटल विथ 100 सिंगल बेड। फिर उसके बाद में प्रोडक्शन ऑफ हनी, स्लरी पाइपलाइन, देन फर्टिलाइजर के लिए आपका कंपनी, सेमीकंडक्टर वाटर सेमीकंडक्टर वेफर फैब्रिकेशन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। यस, इनके ऊपर आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर का 100% अलाउड है डिडक्शन। लेकिन आपको याद रखना होगा कैपिटल एक्सपेंडिचर में तीन तरह के खर्चे नहीं आएंगे इस सेक्शन में, ये तो मेरे को आपसे ही चाहिए। इस सेक्शन में तीन तरीके के कैपिटल एक्सपेंडिचर अलाउड नहीं है, कौन से? इस सेक्शन में तीन तरीके के कैपिटल एक्सपेंडिचर अलाउड नहीं है। यस, तुम्हें होने वाली पत्नी की कसम, तुम्हें होने वाले पति की कसम, तुम्हें बताना ही होगा। इस सेक्शन में तीन तरीके के कैपिटल एक्सपेंडिचर अलाउड नहीं है। यस, चाय पिलाओगे तो मैं बताऊंगा, वीडियो को लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे, बेल आइकन को दबाओगे, दोस्त को भेजोगे तो मैं बताऊंगा। लैंड, गुडविल, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, तीन तरीके के कैपिटल एक्सपेंडिचर अलाउ नहीं है। लैंड पे खर्चा किया, गुडविल पे खर्चा किया, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पे खर्चा किया। यस, तीन तरीके के कैपिटल एक्सपेंडिचर अलाउ नहीं है, बाकी कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर चलेगा 100%, चाहे वो प्रीवियस ईयर्स में इनकर किया हो या प्रीवियस प्रिसीडिंग ईयर्स में इनकर किया हो। यहां पे बिजनेस चालू होने से पहले प्रीवियस प्रिसीडिंग ईयर्स में भी आपने खर्चा इनकर किया तो आप इसका डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। सर, प्रीवियस प्रिसीडिंग ईयर्स कितने हो सकते हैं? कितने भी हो सकते हैं, आप सिर्फ उन खर्चों को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कैपिटलाइज कर दो, आप सिर्फ उन खर्चों को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कैपिटलाइज कर दो, काम खत्म।
यस इस सेक्शन के लिए कुछ बेनिफिट और कंडीशन है. पहला, बिजनेस शुड नॉट बी फॉर्म बाय स्प्लिटिंग अप और रिकंस्ट्रक्शन. ये बिजनेस जो होना चाहिए ये नया बिजनेस होना चाहिए, ये रीस्ट्रक्चरिंग से, अमलगमेशन, डीमर्जर से बना हुआ बिजनेस नहीं होना चाहिए. दूसरा, प्लांट एंड मशीनरी जो होनी चाहिए इसके अंदर में, यूज होने वाली प्लांट एंड मशीनरी न्यू होनी चाहिए. हालांकि इसको एक एक्सेप्शन था, अगर सेकेंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी टोटल प्लांट एंड मशीनरी के 20% से ज्यादा नहीं है तो उस 20% प्लांट एंड मशीनरी को भी हम न्यू मान लेते हैं. चलिए वापस से सुनिए. वन ऑफ द अदर कंडीशन इस बिजनेस के अंदर में जो प्लांट एंड मशीनरी होनी चाहिए कैसी होनी चाहिए, न्यू. हालांकि सेकेंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी अगर टोटल प्लांट एंड मशीनरी के 20% से ऊपर नहीं है तो इसे भी आप क्या मानते हो, न्यू ही मानोगे. इसे भी आप क्या मानोगे, न्यू ही मानोगे. क्लियर है? कर कितना डिडक्शन मिलेगा, होल ऑफ सच कैपिटल एक्सपेंडिचर का आपको क्या मिल जाएगा, डिडक्शन मिल जाएगा. लेकिन इस सेक्शन में खर्चा करते वक्त भी 40A3 की कंडीशन याद रखनी होगी. वैसे तो तुमको याद नहीं होगा 40A3. 40A3 क्या था, कैश पेमेंट. अगर 10,000 रुपए के ऊपर का कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर किया जा रहा है यह अकाउंट पे ही चेक, ड्राफ्ट, ECS या अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड से ही होना चाहिए. यस बताइए बताइए. होटल आपने बनाया, ऑपरेट करने किसी और को दे दिया, क्या 35AD का बेनिफिट मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा. यस वाइल कंटिन्यूइंग टू ओन द होटल ट्रांसफर द ऑपरेशन देयर ऑफ, 35AD इज अवेलेबल. याद रखे 35AD में से चैप्टर 6A के डिडक्शन नहीं मिलते, मतलब जो ग्रॉस टोटल इनकम से डिडक्शन मिलते हैं वो इसमें से नहीं मिलते. याद रखना स्पेसिफाइड इनकम से, आप मेरे डिडक्शन का वीडियो देखेंगे उसके अंदर में ही है 35AD के डिडक्शन, यानी 35AD में से चैप्टर 6A के डिडक्शन नहीं मिलते. 10AA के भी डिडक्शन नहीं मिलते, 10AA SEZ वाला. यस अगर असेट का डिडक्शन 35AD में ले लिया तो इसका एक्चुअल कॉस्ट क्या पकड़ा जाता है, नील. हमने एक्सप्लेनेशन 13 पढ़ के आ गया. यस अच्छा जी, लॉस फ्रॉम अ स्पेसिफाइड बिजनेस कैन ओनली बी सेट ऑफ अगेंस्ट द इनकम ऑफ स्पेसिफाइड बिजनेस, अदरवाइज ये अनलिमिटेड पीरियड के लिए कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है. ये अनलिमिटेड पीरियड के लिए क्या किया जा सकता है, कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है. यस मालिक, जो भी असेट आप 35AD के अंदर में क्लेम करना चाह रहे हैं इसको 8 साल तक के क्या करना पड़ेगा, होल्ड करना पड़ेगा. कितने साल होल्ड करना पड़ेगा बोलो जल्दी से, 8 साल तक के आपको होल्ड करना पड़ेगा. 8 साल से पहले आपने कभी भी बेच दिया तो जितना डिडक्शन क्लेम किया था लेस नोशनल डेप्रिसिएशन आपका PGBP माना जाएगा. जितना आपने डिडक्शन क्लेम किया था 35AD में कैपिटल एक्सपेंडिचर का लेस नोशनल डेप्रिसिएशन आपका PGBP क्या कर दिया जाएगा, मान लिया जाएगा. यस और नो? बहुत बढ़िया, उम्मीद करता हूं आपको रिवीजन अभी तक के समझ में आ रहा होगा. एक एक पॉइंट आपका फटाफट रिवाइज हो रहा होगा. यस एक एक पॉइंट आपका रिवाइज हो रहा होगा. और अगर ऐसा है तो क्यों ना मेरे साथ आप एक बार सेक्शन लिस्ट बनाने का दम रखते हैं क्या? यस चलो ट्राई करते हैं. अरे गलती होगा ना साहब, और क्या होगा. यस वैसे भी जिंदगी में दो ही चीज मिल सकती है, या तो एक्सपीरियंस या तो सक्सेस, और कुछ नहीं हो सकता. लॉस कभी नहीं हो सकता बेटा तेरे जिंदगी में, याद रखना. यस राइट हो सकता है पढ़ते वक्त, अभी जब तू पढ़ रहा होगा पढ़ते वक्त तेको बहुत तकलीफ हो रही होगी. यस घर से फैमिली प्रेशर होगा, हेल्थ प्रेशर होगा, मनी प्रेशर होगा, 50 तरीके की चीजें आएंगी बेटा. पर तकलीफ किसको नहीं है तू ये सोच के देखना. जो एक चिड़िया उड़ रही है दर्द तो उसको भी है, दर्द तो उसको भी हो रहा है. यस थोड़ा सा सहने का दम रख. जब तू तेरा सक्सेस स्टोरी लिखेगा ना लाइफ में तो उसके अंदर में आएगा कि इस सिचुएशन में भी तूने मेहनत करी है. यस समझ में आई बात. और दर्द के बिना कुछ नहीं होता बेटा लाइफ में, तो चालू रखने का. मेरा भी बहुत गलत दर्द कर रहा है, छुट्टी के दिन भी रिकॉर्ड कर रहा हूं. पर पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट ये है कि तुम सक्सेस के पीछे कितना भाग सकते हो, तुमको उसके पीछे कितना भागने की इच्छा है, ये सारा गेम है. तो चलो आओ बेटा, सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था सेक्शन 28, याद होगा तो सेक्शन 28 चार्जिंग सेक्शन था. सेक्शन 29 आपसे बता रहा था हाउ टू कंप्यूट PGBP. सेक्शन 30 क्या था बेटा, एक्सपेंडिचर ऑन बिल्डिंग, रेंट, रिपेयर्स, इंश्योरेंस अलाउड एज डिडक्शन. 31 लगे हुए इसका प्लांट एंड मशीनरी से रिलेटेड खर्चा. सेक्शन 32 वाज टॉकिंग अबाउट डेप्रिसिएशन. 32.1.1 वाज टॉकिंग अबाउट डेप्रिसिएशन इन केस ऑफ पावर जनरेटिंग यूनिट. 32.2 वाज टॉकिंग अबाउट अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन. 32.1.2A आपसे बात कर रहा था एडिशनल डेप्रिसिएशन की, याद आ रहा है क्या मालिक आपको, राइट. इसके बाद आपसे बात कर रहा था सेक्शन 35 साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर. 35.2AB इन हाउस रिसर्च एक्सपेंडिचर, याद आ रहा है क्या मालिक. इसके बाद 35CCC एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट, 100% अलाउड एज डिडक्शन. 35CCD स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट. 35CCA चप्पा चप्पा एडवांसमेंट रूरल डेवलपमेंट. 35D प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर. 35DD
अमलगमेशन बिजनेस, अमलगमेशन डीमर्जर रिलेटेड एक्सपेंसेस इंडियन कंपनी को 1/5 बेसिस पे अलाउड इज डिडक्शन. यस 35DDA VRS एक्सपेंडिचर 1/5 बेसिस पे अलाउड इज डिडक्शन. याद आ रहा है 36 अदर डिडक्शन, 37 वन जनरल डिडक्शन. पांच कंडीशन सेटिस्फाई करो डिडक्शन लेके जाओ. याद है सेक्शन 38 आपसे बात कर रहा था पर्सनल बिजनेस पार्टली पर्सनल एक्सपेंडिचर. याद. यस देन आपसे बात कर रहे थे 43B सर्टेन डिडक्शंस आर अलाउड ओनली ऑन एक्चुअल पेमेंट बेसिस. ये पेमेंट अगर आपने किया एक्चुअल पेमेंट बेसिस पे तो ही आपको डिडक्शन मिलेगा, नहीं तो डिडक्शन मिलने वाला नहीं है. 44AD प्रिजम्पटिव इनकम 6% 8% वाला. 44AE गुड ट्रांसपोर्ट एजेंसी वाला, हैवी गुड व्हीकल लाइट गुड व्हीकल. 44ADA प्रोफेशनल की अदा. याद है. हाँ 43(1) किस बारे में बात कर रहा था, एक्चुअल कॉस्ट. 43(3) नहीं सॉरी 43(6) किस बारे में बात कर रहा था, WDV. याद है ना तुमको. हाँ भूलना नहीं है बेटे, बेटे भूलना नहीं है बेटे. आ जाओ बेटा नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं 40B. अगर तुम्हें याद होगा थोड़ा सा भी याद होगा जीवन में, 40B वॉज टॉकिंग अबाउट पार्टनर्स रेम्युनरेशन. पार्टनर को जो शेयर दिया जा रहा है वो 10(2)A में एग्जम्प्ट है. इंटरेस्ट जो है ये अलाउड है डिडक्शन बोल करके. हाँ मैं नहीं बताऊंगा मैक्सिमम इंटरेस्ट कितना अलाउड है, तुमको बताना पड़ेगा मैक्सिमम इंटरेस्ट कितना अलाउड है. यस मैक्सिमम 12% पर एनम. अरे नालायको अकाउंट्स में भी है क्या, किताब पलट रहे हो. याद होना चाहिए 12% पर एनम का आपको क्या मिलता है, डिडक्शन मिलता है. 12% के ऊपर जितना रहा वो क्या होगा, डिसअलाउ. सो कैसे दिया जाएगा, इंटरेस्ट टू पार्टनर कैपिटल नीचे लिखा होगा, इंटरेस्ट टू पार्टनर कैपिटल इज एट द रेट ऑफ 15% कैलकुलेटेड ऑन दिस कैपिटल. क्या करना होगा, पहले क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 15% पे इतना तो 12% पे कितना, और एक्सेस वाला जितना भी है उसे क्या करना पड़ेगा, एड बैक. याद आ रहा है. याद रखे इंटरेस्ट ऑन स्लीपिंग पार्टनर और वर्किंग पार्टनर बोथ आर अलाउड. याद रखिएगा इंटरेस्ट ऑन स्लीपिंग पार्टनर और वर्किंग पार्टनर दोनों भी क्या है बेटा, अलाउड है. पार्टनरशिप डीड से क्या होना चाहिए, स्पेसिफाइड होना चाहिए तो ही मिलेगा नहीं तो नहीं मिलेगा. यस इट शुड पर्टेन टू अ पीरियड आफ्टर द पार्टनरशिप डीड. इट शुड पर्टेन टू अ पीरियड आफ्टर द पार्टनरशिप डीड. यस मालिक. अच्छा जी सर. सर एक्चुअल डिडक्शन कितना मिलता है, 12% ऑफ कैपिटल और एक्चुअल इंटरेस्ट पेड विच एवर इज लोअर. याद आ रहा है मालिक. चलो जी मैक्सिमम रेम्यूनरेशन और कमीशन का लिमिट क्या है, मैक्सिमम रेम्यूनरेशन और कमीशन का लिमिट कौन देता है बेटा, 40B. याद रखे शेयर एग्जम्प्ट है, बाकी तीनों 40B की लिमिट के अंदर में आते हैं. राइट रेम्यूनरेशन सिर्फ वर्किंग पार्टनर को पे किया हुआ अलाउड है. रेम्यूनरेशन तभी अलाउड है जब पार्टनरशिप डीड के अंदर में लिखा हुआ हुआ हुआ. डज नॉट पर्टेन टू अ पीरियड प्रायर टू पार्टनरशिप डीड और ये एक्सेस नहीं होना चाहिए परमिसेबल लिमिट के. सर परमिसेबल लिमिट कितनी है, एक्चुअल और मैक्सिमम विच एवर इज लोअर. यस मैक्सिमम कितना है, बीपी पे डिपेंड करेगा. सर बीपी बुक प्रॉफिट रे, बुक प्रॉफिट पे डिपेंड करेगा. यस तेरा बुक प्रॉफिट अप टू फर्स्ट 3 लाख है, मतलब लॉस भी कवर हो गया इसमें. अप टू फर्स्ट 3 लाख बोला है मतलब लॉस भी कवर हो गया. एमसीक्यू, क्या लॉस के केस में भी पार्टनर्स रेमुनरेशन दिया जा सकता है? यस दिया जा सकता है. कितना, 1,50,000. अदरवाइज कितना प्रॉफिट होगा, पहले 3 लाख तक के 1,50,000 और 90% ऑफ बुक प्रॉफिट विच एवर इज हायर. सपोज तुम्हारा बुक प्रॉफिट 4 लाख रुपए है तो पहले 3 लाख तक के तो रेम्यूनरेशन 2,70,000 बीइंग 90% ऑफ 3 लाख. यस जितना भी बैलेंस बुक प्रॉफिट बचा उसके ऊपर एट द रेट ऑफ 60%, जितना भी बैलेंस बुक प्रॉफिट बचा उसके ऊपर एट द रेट ऑफ 60%. यस मालिक. चलो जी बहुत बढ़िया. वो ये एक पॉइंट आपको बता देता हूं, ये काम का है. देखिए हुआ क्या, एक दिन पार्टनरशिप फर्म ने 40B के हिसाब से रेमुनरेशन निकाल के पार्टनर को दिया. एओ बोलता है मैं इसे रिलेटेड पार्टी में भी डिसअलाउ करूंगा और 40B में भी डिसअलाउ करूंगा. क्या ऐसा दोनों जगह डिसअलाउंस पॉसिबल है क्या? आंसर इज नो. अगर रेमुनरेशन 40B के हिसाब से निकल गया तो आप पार्टनर को ही रिलेटेड पार्टी मान के 40A2 में वापस डिसअलाउ कर सकते नहीं. यस इस पे ग्रेट सिटी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का केस है, हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है. राइट बहुत बढ़िया बेटा. ओए होए 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 40BA ये तो कंफर्म तुम्हारे पहरी फेरी से ही बाहर होगा, तुमने कभी पढ़ा भी नहीं होगा. और अगर आपने आज तक के नहीं पढ़ा और इस वीडियो ने आपकी हेल्प करी इसको पढ़ने के लिए तो भैया आपको पता है ना आपको क्या करना है. हाँ थैंक यू मालिक लिख करके जाना है, भारत माता की जय लिख करके जाना है. आपको ध्यान से सुनिए क्या कह रहा है ये सेक्शन 40BA. 40BA आपसे कह रहा है कि बेटा देखो अगर AOP BOI ने क्या किया आपके मेंबर को, क्या बेटा आपके मेंबर को
राइट, तो सपोज ये था एओपी बीवाई और ये था ककानी, राइट, इसने इसको क्या दिया, रेम्यूनरेशन दिया, कमीशन दिया, बोनस दिया, क्या ये अलाउ है? नहीं सर, ये डिस अलाउ है। ये क्या है बेटा? डिस अलाउ है। सो एओपी बीवाई ने अपने मेंबर को कोई रेम्यूनरेशन, कमीशन या बोनस दिया, ये क्या हो जाएगा? डिस अलाउ हो जाएगा। अच्छा अब बताइए, एओपी बीओआई में मेंबर है, सपोज कर लो मेंबर का नाम है सुरभि, ठीक है, कोई एओपी बीओआई में मेंबर है सुरभि। अब हुआ ये, सुरभि का अपना भी एक एचयूएफ है, सुरभि का अपना भी एक एचयूएफ है, राइट, तो ये सुरभि का जो एचयूएफ है, सुरभि का जो एचयूएफ है, सुरभि के एचयूएफ ने एओपी बीओआई को लोन दिया है। सुरभि ने दिया क्या? नहीं, सुरभि के पास पैसे कहां से आएंगे? सुरभि ने नहीं दिया, सुरभि के एचयूएफ ने क्या किया, एओपी बीओआई को लोन दिया। एओपी बीओआई अब एचयूएफ को इंटरेस्ट दे रहा है, बताइए ये अलाउ होना चाहिए या नहीं अलाउ होना चाहिए? ध्यान से सुन के देखिएगा, अब आप मेंबर को दे रहे हो क्या? अब आप मेंबर को दे रहे हो क्या? नहीं, अब आप मेंबर को नहीं दे रहे। डिसअलाउंस तभी है जब आप किसको दे रहे हो? मेंबर को दे रहे हो। मान लो ऊपर के केस में एओपी बीओआई मेंबर को दे रहे थे इसलिए डिसअलाउ था, अब यहां पे आप मेंबर को दे रहे हो क्या? उस नहीं, आप एचयूएफ को दे रहे हो। ऐसे केस में सेक्शन 40BA एप्लीकेबल नहीं है, ऐसे केस में सेक्शन 40BA एप्लीकेबल नहीं है, याद रखिएगा साहब, क्लियर है? तो सेक्शन 40BA समझ में आया? सेक्शन 40BA कहता है एओपी बीओआई ने अपने मेंबर को रेमुनरेशन, इंटरेस्ट, कमीशन कुछ भी उठा करके दिया, नॉट अलाउड एज डिडक्शन। सो एओपी बीओआई के लिए कैलकुलेट कर रहे होंगे, पीएनएल में डेबिटेड होगा, लेने का टना दन एड बैक कर देने का, यस और नो? यस, जिस तरीके से आपने ये रिविजन की प्लेलिस्ट को आपके मोबाइल में एड बैक करिए, बस वैसे ही आपने क्या कर देना है, एड बैक कर देना है। आते हैं सेक्शन 40A के ऊपर, भाई जी इंपॉर्टेंट है, पेन उठाइए, इसमें तीन प्यार भरे शब्द लिखिए, IMP। यस इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 40A बोलता है कौन कौन से खर्चे अलाउ, कौन कौन से खर्चे अलाउ नहीं है। पहला, सैलरी, इंटरेस्ट, रॉयल्टी नॉन रेसिडेंट को पे किया विदाउट टीडीएस। अगर आप सैलरी, इंटरेस्ट, रॉयल्टी नॉन रेसिडेंट को पे कर रहे हैं जिसपे आपने टीडीएस काटा नहीं, तो आपको डिडक्शन मिलेगा नहीं। दूसरा, इंटरेस्ट, कमीशन, रॉयल्टी, यस, आप रेसिडेंट को पे कर रहे हैं विदाउट टीडीएस, आपको 30% डिसअलाउंस का अट्रैक्शन होता है। फ्रिंज बेनिफिट टैक्स, इनकम टैक्स या फिर डिविडेंड टैक्स या फिर वेल्थ टैक्स, ये सारे पर्सनल टैक्स है, आप अगर पीएनएल में डेबिटेड देखते हो लेना, एड बैक कर देना। यस, रॉयल्टी फीस, सर्विसेज चार्जेस पेड बाय स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग टू स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग स्टेट गवर्नमेंट को अगर क्या कर रही है बेटा, पे कर रही है, इट विल नॉट बी अलाउड एज डिडक्शन। यस, आते हैं सर 40AIA, 40AIB, कुछ याद आया का तुमको, कान में गूंजना चाहिए मेरी ये बात। हाँ, 40AIA IBA, तीन सेक्शन थे, पेमेंट था विदाउट टीडीएस, देने वाला जब भी देता देता टीडीएस काट के, नहीं दिया जो टीडीएस काट के, नहीं मिलेगा डिडक्शन इनकम टैक्स में। तो सेक्शन कह रहा था, याद करके देखो बच्चे, सेक्शन कह रहा था, सेक्शन कह रहा था कि अगर आप किसी भी नॉन रेसिडेंट को पेमेंट करते हैं जिसपे आपने टीडीएस डिडक्ट नहीं किया, या टीडीएस डिडक्ट किया पर गवर्नमेंट को पे नहीं किया, चोरी कर ली, जेब में डाल दिया, राइट, 100% डिसअलाउ। कैसे दिया जाएगा? आपको एक पेमेंट लिख के देंगे पीएनएल के डेबिट के अंदर में, और नीचे लिख देंगे इस पेमेंट पे टीडीएस हुआ नहीं, आपकी जिम्मेदारी, लेना एड बैक कर देना। यस, अच्छा जी, यही पेमेंट रेसिडेंट को दिया जिस पे टीडीएस नहीं काटा, या काटा पर आपने जेब में डाल दिया, गवर्नमेंट को नहीं दिया, 30% क्या हो जाएगा, डिसअलाउ हो जाएगा। 30% क्या हो जाएगा बेटा, डिसअलाउ हो जाएगा। इसके बाद इक्वलाइजेशन लेवी, बिल्कुल याद नहीं आ रहा होगा क्या है ये, मैं याद दिलाता हूं, गूगल को एडवर्टीजमेंट पेमेंट करने के लिए, राइट, अब इक्वलाइजेशन लेवी काटना होता है, अगर आप 1 लाख रुपए के ऊपर का पेमेंट कर रहे हो, 6% का इक्वलाइजेशन लेवी डिडक्ट करना होता है। यस, अगर मान लीजिए कोई ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट, डिजिटल एडवर्टीजमेंट के लिए पेमेंट कर रहा है, ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट डिजिटल एडवर्टीजमेंट के लिए पेमेंट कर रहा है, और इस पेमेंट के ऊपर इक्वलाइजेशन लेवी डिडक्ट नहीं हुआ, सिंस ये पेमेंट नॉन रेसिडेंट को हो रहा है, 100% क्या हो जाएगा, डिसअलाउ, 100% क्या हो जाएगा, डिसअलाउ। यस सर, मान लीजिए मैंने इस साल टीडीएस नहीं दिया पर मैंने अगले साल टीडीएस जमा करवा दिया, क्या डिडक्शन मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा, कोई तकलीफ नहीं है। यस, कोई तकलीफ नहीं है। चलिए सर,
डीम्ड पीजीबीपी, ये सेक्शन आपने ऑलरेडी मेरे साथ आधा पढ़ लिया है, याद दिलाता हूँ। बैड डेब्ट्स अगर कभी भी रिकवर हो जाते हैं तो इसे इनकम माना जाता है। साइंटिफिक रिसर्च असेट आप जब भी सेल करते हो आपका इनकम जनरेट होता है। बैलेंसिंग चार्ज, सोचो जो असेट के ऊपर आपने एसएलएम बेसिस पर डेप्रिसिएशन क्लेम किया था, ये अगर प्रॉफिट में सेल हुआ तो अप टू एन अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन क्लेम्ड बैलेंसिंग चार्ज माना जाता है, तो बैलेंसिंग चार्ज पीजीबीपी में टैक्सेबल होता है। ये तीन नहीं पूछेगा, वन पूछेगा। क्यों हिला डाला ना, वन पूछेगा। कभी भी आपको टू थ्री फोर नहीं पूछते, एग्जाम में आपको वन पूछते हैं। वन में याद कैसे रखना है, रेमिशन और सीजेशन, ये दो वर्ड को याद रख लेना दिमाग में ऐसा जोर से घुसाने का, रेमिशन और सीजेशन ऑफ ट्रेडिंग लाइबिलिटी। वापस से बोलो, रेमिशन और सीजेशन ऑफ ट्रेडिंग लाइबिलिटी। तो मान लीजिए, इसको मैं आपको एग्जाम्पल देके समझाऊंगा, प्यार और मोहब्बत आपकी दोनों बनी रहनी चाहिए वीडियो के ऊपर। तो मान लीजिए एक था वैष्णव, एक थी वैष्णवी, बराबर है? हाँ जी, एक था वैष्णव, एक थी वैष्णवी। वैष्णव ने क्या किया था बेटा, क्रेडिट दिया था, कितने का, 10,000 रुपए का क्रेडिट दिया था। कितने का बेटा, 10,000 रुपए का। किसको दिया था, वैष्णवी को दिया था। पर वैष्णवी निकली नालायक, वैष्णवी ने क्या कर दिए, बैड डेब्ट्स कर लिए। वैष्णवी ने क्या कर लिए, बैड डेब्ट्स कर लिए। अब ये बैड डेब्ट्स कभी फ्यूचर में रिकवर हुए, ये बैड डेब्ट्स, वैसे वैष्णवी 10,000 देने नहीं वाली वापस कभी, पर दे दी वैष्णवी ने अगर 10,000 रुपए, बैड डेब्ट्स अगर कभी रिकवर हुए फ्यूचर में, तो जितने रिकवर हुए ये सारे का सारा क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। कौन से सेक्शन में, 41(4), ठीक है, क्या हो जाएगा, 41(4) के अंदर में टैक्सेबल हो जाएगा। चलिए अब इसी को 41(1) के तहत भी समझा देता हूं। मान लीजिए वैष्णव ने वैष्णवी को 10,000 का माल दिया, क्या किया, वैष्णव ने वैष्णवी को 10,000 का माल दिया। अब वैष्णवी से कितने रुपए आने हैं, 10,000 रुपए आने हैं। यस, 10,000 रुपए आने हैं। लेकिन वैष्णव को हमेशा से पता था कि ये नालायक पैसा वापस कभी करेगी नहीं, बराबर है? वैष्णव ने बोला, एक काम कर, तू 10,000 देने की जगह, तू 10,000 देने की जगह मेरे को सिर्फ 350 रुपए दे देना। तू 10,000 देने की जगह मेरे को सिर्फ 350 रुपए दे देना, बाकी का सब माफ तेरे लिए। तू सिर्फ 350 रुपए दे देना, बाकी का सब माफ तेरे लिए। अब मुझे एक बात बताइए, क्या यहां पे वैष्णव ने अपना राइट वेव कर दिया? वैष्णव को क्या फायदा हुआ साहब, कुछ नहीं, वैष्णव को कुछ नहीं मिला। वैष्णवी की लाइबिलिटी थी 10,000, अब उसको कितने देने हैं, 350, जो भी बच गए, आपको नहीं लगता वैष्णवी का प्रॉफिट हुआ? कहां टैक्सेबल होना चाहिए, 41(1) पीजीबीपी में। सो अगर किसी ने, कोई क्रेडिटर ने अपना अमाउंट रेमिट कर दिया है या सीज कर दिया है, वो नहीं ले रहा है, छूट दे दी है, तो ये रेमिशन एंड सीजेशन ऑफ ट्रेडिंग लाइबिलिटी वैष्णवी के लिए क्या थी, ट्रेडिंग लाइबिलिटी थी। वैष्णवी के लिए क्या थी, ट्रेडिंग लाइबिलिटी थी, धंधे की लाइबिलिटी। सो वैष्णवी ने क्या इसका बेनिफिट लिया, वैष्णव ने छोड़ दिया पैसा, बेनिफिट किसको मिला, वैष्णवी को मिला, काम खत्म वैष्णवी के लिए। ये 41(1) के हिसाब से पीजीबीपी टैक्स हो जाएगा। यस, 41(1) के हिसाब से पीजीबीपी क्या हो जाएगा बेटा, टैक्स हो जाएगा। सो अगर कोई भी ट्रेडिंग लाइबिलिटी था, राइट, असेसी हैज ऑप्टेन द रिफंड ऑफ सच लाइबिलिटी और देर इज अ रेमिशन और सीजेशन। यहां रेमिशन सीजेशन किसने किया था, वैष्णवी है ना, वैष्णव ने, वैष्णव ने क्या किया था, रेमिशन और सीजेशन किया था। फायदा किसको मिला, वैष्णवी को, तो वैष्णवी के लिए 41(1) के अंदर में क्या मानी जाएगी, इनकम मानी जाएगी, याद आ रहा है? चलिए मान लीजिए मैंने सेल्स टैक्स पे किया था और बाद में सेल्स टैक्स का रिफंड आ गया, इज इट एन इनकम? यस। अगर आपने कोई एक्सपेंसेस भी क्लेम किया था और बाद में इस एक्सपेंसेस का भी रिफंड आ जाता है, तो इट विल ऑल्सो बी ट्रीटेड एज पीजीबीपी। सो मान लीजिए इनकम टैक्स, यस, इनकम टैक्स आपने पे किया था, बाद में इनकम टैक्स का रिफंड आया, इज इट ऑल्सो एन इनकम? नो, पूछो क्यों, पूछो ना प्यार से क्यों। अरे झंडू, जब तेरे को इनकम टैक्स का एक्सपेंसेस बोल के डिडक्शन ही नहीं मिला, तो उसकी रिकवरी पे वो इनकम कैसे बना, उसको पहले एक्सपेंसेस क्लेम करना पड़ेगा ना बाबू। अब जीएसटी को आपने एक्सपेंसेस क्लेम किया था, इसलिए जीएसटी का रिकवरी आपके लिए इनकम है। इनकम टैक्स को आपने एक्सपेंसेस ही नहीं माना था, इसीलिए इनकम टैक्स रिफंड इज नॉट एन इनकम,
एक सवाल और आया है मेरे को, बहुत जोर से आया है, इनकम टैक्स रिफंड पे इंटरेस्ट आया है, ये इनकम है क्या? यस, इनकम टैक्स रिफंड इज नॉट एन इनकम, बट इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड इज एन इनकम। ए डोंट डू, जस्ट चिल। पीएनएल के क्रेडिट में देखो इनकम टैक्स रिफंड दिखता है और इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड दिखता है, बता ट्रीटमेंट क्या होगा? पीजीबीपी से दोनों लेस करेंगे, वो पीजीबीपी से दोनों लेस करेंगे, इनकम टैक्स भी और इनकम टैक्स रिफंड भी आप दोनों लेस करोगे। आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस का एक वर्किंग नोट बनाओगे, इनकम टैक्स रिफंड लिखोगे, उसके आगे लिखोगे नील, और इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड आप ले लोगे, नीचे नोट डालोगे इनकम टैक्स रिफंड इज नॉट एन इनकम। समझ में आया? ये ट्रीटमेंट करना है, थैंक मी लेटर। चलो जी, इसके बाद हम लोग आते हैं 44AA, ए फॉर मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स। मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स, हाँ बेटा, हम लोग पीजीबीपी के खत्म करने के बहुत नजदीक पहुंचते जा रहे हैं। यस, मन में बहुत खुशी होगी, उत्साह होगा, उत्साह इस चीज का होना चाहिए, भाई मेरा रिवीजन हुआ, मैं दोस्त का भी करेगा, सबका साथ सबका विकास। चलो वापस से ध्यान देते हैं, बिजनेस का अगर है आपको, बुक्स ऑफ अकाउंट्स कब मैंडेटरीली मेंटेन करनी है, डिपेंड करता है असेसी कौन है, बिजनेस है, प्रोफेशन है या अदर है। अगर बिजनेस है तो असेसी इंडिविजुअल है तो बुक्स तब मेंटेन करनी है इंडिविजुअल या एचयूएफ है तो, जब इनकम 2,50,000 से ऊपर चल जाए या टर्नओवर 25 लाख रुपए से ऊपर चल जाए। जब इनकम 2,50,000 से ऊपर चल जाए या टर्नओवर 25 लाख रुपए से ऊपर चल जाए, अदर देन इंडिविजुअल और एचयूएफ है तो आपको तब क्या करना है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना है, जब इनकम 1,20,000 के ऊपर चल जाए या टर्नओवर 10 लाख के ऊपर चल जाए इन एनी ऑफ थ्री प्रीवियस ईयर्स। यस, ध्यान से सुनिए, इंडिविजुअल और एचयूएफ को क्या करना है, तभी बुक्स मेंटेन करनी है जब इनकम 2,50,000 के ऊपर चल जाए या टर्नओवर 2,50,000 के ऊपर चल जाए इन एनी ऑफ थ्री प्रीवियस ईयर और लाइकली टू एक्सीड इन द ईयर ऑफ स्टार्टअप ओनली। यस, अगर अदर देन इंडिविजुअल या एचयूएफ है, इनकम 1,20,000 के ऊपर चल जानी चाहिए या टर्नओवर 10 लाख रुपीज के ऊपर चल जाना चाहिए इन एनी ऑफ थ्री प्रीवियस ईयर और लाइकली टू एक्सीड इन द ईयर ऑफ सेटअप। अगर आप प्रोफेशन है, आपकी ग्रॉस रिसीट इन ऑल 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 थ्री प्रीवियस ईयर कितने से ऊपर जानी चाहिए, 1,50,000 से ऊपर जानी चाहिए, तो आपका क्या रहेगा बेटा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी है। यस yes, अच्छा जी, बुक्स ऑफ अकाउंट्स कितने साल के लिए मेंटेन करनी है, 6 असेसमेंट ईयर के लिए। नहीं मेंटेन किया, पेनल्टी कितनी लगा दोगे, 25,000 रुपए तक की पेनल्टी लग सकती है। याद है, अगर एक मिनट दिल से याद करके देखना बेटा, हाँ, अगर एसएससी प्रिजम्प्टिव इनकम शो कर रहा है, लोअर प्रॉफिट डिक्लेयर करता है 44AD ADA में, इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ऊपर जा रही है, क्या बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना है? याद आ रहेगा? और 44AE के केस में लोअर प्रॉफिट भी डिक्लेयर कर रहा है तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना है क्या? हाँ, अब ऑडिट कराना पड़ेगा। याद रखने का तरीका, अब ऑडिट करवाना पड़ेगा। कब ऑडिट करवाना पड़ेगा, याद करके देखिए। अगर बिजनेस के केस में टर्नओवर कितने से ऊपर जा रहा है, 1 करोड़, प्रोफेशन के केस में ग्रॉस रिसीट एक्सीड कर रहा है 50 लाख, यस, या फिर 44AD ADA के केस में आप लोअर प्रॉफिट डिक्लेयर कर रहे हैं एंड इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ऊपर जा रहा है, 44AE के केस में बस लोअर प्रॉफिट डिक्लेयर कर दो तो भी टैक्स ऑडिट करवाना है। Yes, हालांकि अगर तुम्हें याद हो, क्या तुम्हें याद है, 1 करोड़ के जगह 10 करोड़ की लिमिट है, 1 करोड़ के जगह 10 करोड़ तक के हमें टैक्स ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है। अगर हमारा कैश रिसीट इन टोटल रिसीट इज मैक्सिमम अप टू 5%, कैश पेमेंट इन टोटल पेमेंट इज मैक्सिमम अप टू 5%, इस पर हमने एग्जाम्पल भी लिया था क्लास के अंदर में, देखिएगा, राइट। अगर ऑडिट नहीं कराया, पेनल्टी कितनी है, 1,50,000 और 0.5% ऑफ सेल्स, विच एवर इज लोअर। और क्या आपको ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करनी है, यस, एटलीस्ट 1 month प्रायर टू द डेट ऑफ फाइलिंग ROI, एटलीस्ट 1 month प्रायर टू द डेट ऑफ फाइलिंग ROI। क्लियर है मालिक? बहुत शानदार। इसके बाद हम लोग एक और सेक्शन के ऊपर आते हैं, सेक्शन 43CA। अरे ये सेक्शन आपने मेरे साथ ऑलरेडी पढ़ा है रे बाबा, याद करके देखो। लैंड एंड बिल्डिंग अगर मेरे लिए इन्वेस्टमेंट रही, वी विल अप्लाई सेक्शन 50C। लैंड एंड बिल्डिंग मेरे लिए स्टॉक इन ट्रेड रही, वी विल अप्लाई सेक्शन 43CA। और अगर लैंड एंड बिल्डिंग मेरे को गिफ्ट में मिली,
वी विल अप्लाई 56 to 10, क्या तुझे याद है? यस, ये हमने कहां पढ़ा था? कैप गेन्स में. ये कहां पढ़ा था? अफसोस में, आई मीन IFOS में. ये कहां पढ़ रहे हैं? पबजी में. याद आ रहा है सेक्शन क्या कहता है? अरे वही बात कहता है जो वो सेक्शन कहता था. अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एक्सीड करता है 110% ऑफ कंसिडरेशन से, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माना जाएगा पीजीबीपी कंप्यूटेशन के लिए. याद है? यस. अच्छा जी, इस सेक्शन में अमेंडमेंट 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 आया था. सेक्शन कहता था 110% की जगह 120% लो अगर तीन कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो. कौन सी तीन कंडीशन है सर? पहला, आपका ने कोई रेसिडेंशियल यूनिट ट्रांसफर किया है नवंबर 12, 2020 से लेकर के 30 जून 2021 के बीच में. ये ट्रांसफर फर्स्ट टाइम अलॉटमेंट के थ्रू हुआ है और कंसिडरेशन इस प्रॉपर्टी का 2 करोड़ के ऊपर नहीं जा रहा. यस, तीन कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रही है 12 नवंबर 2020 से लेकर के 30 जून 2021 तक के आप प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हो, प्रॉपर्टी ट्रांसफर का कंसिडरेशन 2 करोड़ रुपए तक के है, एंड आप ये फर्स्ट टाइम अलॉटमेंट कर रहे हैं. फर्स्ट सर, फर्स्ट टाइम अलॉटमेंट क्या है? पहली बार बिल्डर किसको दे रहा है? रेसिडेंट को दे रहा है. ऐसे केस में आप 110% की जगह 120% ले सकते हो. जो आपका सेफ हार्बर है वो 120% ले सकते हो. चलो याद करके देखो, अगर अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एज ऑन द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन लेनी है या अग्रीमेंट लेनी है, वही वाला क्राइटेरिया. दो कंडीशन सेटिस्फाई करोगे तो डेट ऑफ अग्रीमेंट, नहीं तो डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन. याद आ रहा है? अगर झगड़ा हो जाए किसके पास जाओगे? वो थर्ड पर्सन आ ही जाता है बीच में जब दो लोगों के झगड़े हो जाते हैं. वो वैल्यूएशन ऑफिसर ने वैल्यू स्टैम्प ड्यूटी के ऊपर निकाली, क्या लोगे? स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू. वैल्यूएशन ऑफिसर ने जो वैल्यू निकाली स्टैम्प ड्यूटी के नीचे कंसिडरेशन के ऊपर, वो का वैल्यू. कंसिडरेशन से भी नीचे तो कंसिडरेशन. याद आ रहा है? चलिए सर. यस, तो यहां आपका पीजीबीपी ओवर होता है. यहां आपका पीजीबीपी का रिवीजन ओवर होता है. आप सभी लोगों के मैंने मैसेज देखे थे, सर पीजीबीपी कैपिटल गेन अपलोड कर दो. ईमानदारी से बोल रहा हूं, बहुत लेक्चर शेड्यूल के बावजूद भी मैंने सोचा कि नहीं यार, मेरा बच्चा एंड टाइम पे अकेले नहीं रहना चाहिए, तो मैंने ये चीज आपके लिए रिकॉर्ड करके डाल दी. यस, थैंक यू सो मच. अगले वीडियो के अंदर मैं मिलूंगा. बाय बोलो बच्चों.